हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विक्रांत मैसी की ब्लॉकबस्टर मूवी ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में ते मूवी कौन सर कहाँ पे आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानिए पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी जरा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो ट्वेल्थ फेल दो की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण और लेखन विदु विनोद चोपड़ा ने किया है यह मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में अनुराग पाठक की 2019 हजार उन्नीस की अनामगैर काल्पनिक किताब पर आधारित है जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया फिल्म में विक्रांत महसी मुख्य भूमिका में है उनके साथ मेधा शंकर अनंत वी जोशी अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी है सताइस अक्टूबर 2023 को नाटक के रूप से रिलीज हुई ट्वेल्थ फेल को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक स्लीपर हिट के रूप में उभरी जिसने 20 करोड़ के बजट पर दुनिया भर में छियासठ करोड़ से अधिक की कमाई की सिक्सटी नाइनवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित बारह नामांकन प्राप्त हुए दोस्तों बात करें फिल्म की कथानक के बारे में तो दासु प्रभावित चंबल में जन्मे मनोज कुमार शर्मा एक क्लर्क के बेटे हैं उनके पिता एक ईमानदार व्यक्ति को व्यक्ति हैं को एक, एक भ्रष्ट अधिकारी को पीटने के कारण निलंबित कर दिया गया है अपने सभी बैचमेट्स की तरह मनोज भी बारहवीं कक्षा की परीक्षा के लिए नकल की पढ़िया पर्चिया तैयार करते हैं हालांकि एक नौ स्थानांतरित पुलिस अधिकारी डीएसपी दुष्यंत सिंह स्कूल में नकल करना बंद कर देते हैं परिणामस्वरूप मनोज सहित सभी छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं इस बीच उसके पिता उसके निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती देने जाते हैं मनोज और उनके भाई ने घर में मदद करने के लिए ट्रेवलिंग रिक्शा चलाने का फैसला किया मनोज के भाई पर विधायक के स्थानीय गुर्गों को मारने का झूठा आरोप लगाया गया है क्योंकि उसने अपने यात्रियों को बस में यात्रा कराने की कोशिश की थी जिसके लिए पुलिस अधिकारी उसे फंसाते हैं हालांकि मनोज डीएसपी दुष्यंत की मदद के से अपने भाई को बचा लेता है जो मनोज को उसके जैसा अधिकारी बनने के लिए धोखाधड़ी बंद करने की सलाह देता है एक साल बाद मनोज ने बिना नकल की अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और डीएसपी बनने के लिए बीए की पढ़ाई की जब वह ग्लायर में पढ़ाई के लिए निकलता है तो उसकी दादी ने उसे अपनी सारी बचत दे दी लेकिन रास्ते में उसका सारा सामान खो गया तब उन्हें पता चला कि सरकार ने एम की ग्रुप परीक्षाओं को अगले तीन वर्षों के लिए रोकने का फैसला किया है इससे उनका डीएसपी बनने का सपना टूट गया वह तब तक सड़कों पर घूमता रहता है जब तक कि वह बेहोश न हो जाए लेकिन स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास एक स्थानीय होटल मालिक उसे खाना खिलाता है वहाँ उसकी मुलाकात प्रतिम पांडे से होती है जो पीएससी परीक्षा के लिए पढ़ाई करने आया था पांडे ने पिता ने उन्हें फोन किया और दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहा मनोज यूपीएससी के बारे में सीखता है और पढ़ाई करने और आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है पास होने के अपने आखिरी प्रयास में उसकी मुलाकात एक साथी प्रतियोगी गौरी भैया से होता है जो मनोज को काम और पढ़ाई के लिए जगह मुहैया कराते हैं गौरी भैया अपने अंतिम प्रयास को पास करने में असमर्थ हैं और एक कोचिंग संस्थान खोलते हैं अपने पहले प्रयास में मनोज प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो जाता है लेकिन गौरी की मदद से वह फिर से परीक्षा देता है और अगले वर्ष इसे पास करने में सफल होता है एक कोचिंग सेंटर की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात यू के पी एस सी की अभ्यार्थी श्रद्धा जोशी से होती है और उससे प्यार हो जाता है वह उसे एक एयरनाटिकल इंजीनियरिंग मानती है और वह यह स्पष्ट नहीं करता है कि वह एक साहित्य स्नातक है कड़ी मेहनत के बावजूद मनोज उस वर्ष अपनी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे जब श्रद्धा को उसके धोखा के बारे में पता चलता है तो उसके साथ उसके रिश्ते में भी खटास आ जाती है निराश होकर मनोज श्रद्धा से माफी मांगने और अपने प्यार का इजहार करने के लिए मसूरी जाता है वह उसे दिल्ली लौटकर तैयार जारी रखने की सलाह देती है इसके बजाय मनोज अपने घर जाता है और पाता है कि उसकी दादी का निधन हो गया है वह परीक्षा उत्तीर्ण करने का निश्चय करके दिल्ली लौटता है निराश होकर गौरी मनोज को अपने घर ले जाती है और उससे कहती है कि वह छोटी मोटी नौकरियां छोड़ दे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें वह अंत मुख्य परीक्षाओं में असफल हो जाता है जबकि श्रद्धा डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए यू UK, यूके परीक्षाओं में भी सफल हो जाती है इस बीच प्रीतम और जो अपनी परीक्षा में असफल हो गया अफवाह फैलाता है कि श्रद्धा मनोज के साथ सो रही है मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाते हैं लेकिन उन्हें एहसास होता है कि प्रीतम वास्तव में एक रिपोर्टर बनना चाहते थे लेकिन उनके पिता ने उन पर यू, यू करने के लिए दबाव डाला मनोज ने प्रीतम को अपने पिता के सामने खड़े होने की सलाह दी इंटरव्यू राउंड के दौरान मनोज हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देते हैं उसे श्रद्धा धारा लिखा गया एक पत्र भी मिलता है जिसमें उससे शादी करने के लिए कहा गया है दो महीने बाद परिणाम घोषित किए गए और मनोज ने आईपीएस अधिकारी बनने के लिए रैंक हासिल कर ली एक साल बाद मनोज जो अब एक आईपीएस अधिकारी है मंदसौर के पुलिस स्टेशन में डीएसपी एस दुष्यंत सिंह से मिलता है और उसे प्रोत्साहित करने के लिए डीएसपी को धन्यवाद देता है मनोज ने श्रद्धा से शादी कर ली और प्रीतम ने एक समाचार रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया विक्रांत मैसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में मेधा शंकर श्रद्धा जोशी के रूप में अनंत वी जोशी प्रीतम पांडे के रूप में गौरी भैया के रूप में अंशुमान पुष्कर डीएसपी एस दुष्यंत सिंह के रूप में प्रियांशु चटर्जी गीता अग्रवाल शर्मा पुष्पा शर्मा मनोज की मां के रूप में मनोज के पिता रामवीर शर्मा के रूप में हरीश खन्ना मनोज की दादी के रूप में सरिता जोशी नवल के रूप में संजय बिशोई विकास दिव्य कीर्ति सोय के रूप में सुंदर के रूप में विजय कुमार डोगरा मनोज की छोटी बहन रजनी शर्मा के रूप में पेरी छबड़ा श्रद्धा के पिता के रूप में नीरज कालरा श्री सोलंकी के रूप में डेरियस चिन्नाय तानिया के रूप में राधिका जोशी फसी खान किशन के रूप में श्रद्धा के घर का नौकर श्री मेहता मनोज के यूपीएससी साक्षात्कारकर्ता के रूप में राहुल देव सिट्टी नवंबर दो में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल पर आधारित फिल्म की घोषणा की यह फिल्म आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आई आर एस अधिकारी श्रद्धा जोशी की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है नवंबर 2022 में चोपड़ा ने घोषित की कि अभिनेता विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका निभाएंगे जो उनके पहले सहयोग को चिन्हित करेगा यूपीएससी कोच विकास दिव्य कीर्ति को स्क्रीन पर खुद की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था कई वास्तविक जीवन के यूपीएससी उम्मीदवारों को विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया मैसी के अनुसार इसने फिल्म में प्रामन प्रामिकर्ता जोड़ दी शर्मा और जोशी दोनों ने फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई फिल्म की शूटिंग मुख्य भूमिका मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दो शिक्षा केंद्रों राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया था फिल्मांकन दो दिसंबर 2022 में पूरा हुआ ट्वेल्थ फेल का टीजर 10 अगस्त दो को रिलीज किया गया था जबकि इसका ट्रेलर 3 अक्टूबर दो को रिलीज़ किया गया था फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी हिंदी में सफलता के बाद निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को तमिल तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में डब किया जाएगा और तीन नवम्बर दो को रिलीज किया जाएगा फिल्म की स्ट्रीमिंग 29 दिसंबर दो से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर शुरू हुई फिल्म का संगीत शांतनु मोइत्रा ने तैयार किया है जबकि गीत स्वानंद किड़किरे और रफ्तार ने लिखे हैं सितार और वासुरी के उपयोग के साथ मायत्रा धारा फिल्म का पृष्ठभूमि स्कोर बंगाली फ़िल्म पाथेरा पांच साल उन्नीस सौ में पंडित रविशंकर के स्कोर से प्रेरित था ट्वेल्थ फेल को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर दस आलोचकों में से नब्बे समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग दस में से सिक्स है एनडीटीवी के शैव चटर्जी ने पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार देते हुए और कहा यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई अधिकारी के जीवन का एक मूल चित्रण है ट्वेल्थ फेल एक विचारोत्मक और मनोरंजक फिल्म है पटकथा धारा एक वास्तविक से में सहानुभूतिपूर्ण कहानी तैयार की जाती है यह आदमी की यात्रा के उतार चढ़ाव से नाटक के हर आखिरी हिस्से को निकालने के लिए किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से परहेज करता है मिड डे के मयंक शेखर ने पाँच में से चार स्टार दिए और फिल्म दिस इज द इंडियन स्टोरी की समीक्षा की हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकर ने अपनी समीक्षा में कहा कि ट्वेल्थ फेल न केवल यूपीएससी के छात्रों की कठिनाइयों और भावनाओं को समझने के लिए आवश्यक देखी जानी चाहिए बल्कि यह हमारे सिस्टम में समग्र शिक्षा पर भी प्रकाश डालती है कुछ ऐसा जो चोपड़ा थ्री इडियट्स दो से दिल जीता द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्र गुप्ता ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा कि साउंड ट्रैक और मूड में छिटफुट उतार चढ़ाव के बावजूद ट्वेल्थ फेल ज़्यादातर एक ज़मीनी हकीकत वाली फिल्म है जिसमें ऐसे पात्र हैं जो सड़क से भटक गए हैं और साथ घूम रहे हैं हमें प्रेरणा से भरपूर जीवन के सबसे सबक साझा करते हुए इसमें न केवल बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हैं बल्कि इसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं जो उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे कोचिंग सुविधाओं वाले लोकप्रिय क्षेत्रों में एकत्रित एकत्रित होते हैं इन लोगों की छवि अपने घरों से दूर छोटी छोटी जगहों में रहकर परीक्षा पास करने और जो है उसे बदलने की कोशिश में दिन रात पढ़ाई करते हैं यह एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय कहानी है रेडियो डॉट कॉम की दीपा गहलोत ने विक्रांत मैसी के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा अगर विक्रांत मैसी इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीतते हैं तो यह उस अभिनेता के साथ अन्याय होगा जिसने इतने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया है टाइम्स ऑफ इंडिया के धावल रोहित ने पाँच में से चार स्टार दिए और अपनी समीक्षा में कहा कि ट्वेल्थ फेल एक उत्कृष्ट फिल्म है जिसकी अत्यधिक अनुशां अनुशंसा की जानती है इसके एक मिनट के लगभग हर दृश्य से आप प्रेरित और चकित महसूस करते हैं चोपड़ा को यह सुनिश्चित करने के लिए बधाई की फिल्म में प्रत्येक किरदार को उनका सर्वश्रेष्ठ मौका दिया जाए इंडिया टुडे की भावना अग्रवाल ने पांच में से चार स्टार दिए और लिखा विक्रांत मैसी प्रदर्शन शीट पर शानदार प्रदर्शन के साथ उत्तीर्ण हुए द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा ट्वेल्थ और सफल फिल्म समीक्षा विदु विनोद विदु विनोद चोपड़ा ने आशा की कि द हिंदू की, की अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा ट्वेल्थ फिल्म और फिल्म समीक्षा विद विनोद चोपड़ा ने आशा की एक और झप्पी दी जो जादुई से भी अधिक गंभीर है सी एन बी सी टी वी अठारह एटीन की स्नेहा बेंगानी ने फिल्म की समीक्षा करते हुए लिखा दृढ़ता की इस उल्लेखनीय कहानी के माध्यम से विक्रांत मैसी को ताकत मिलती है जी न्यूज़ के गुंजन डी डॉट बिंदानी ने पाँच में से चार स्टार देते हुए लिखा अतिशयुक्तिपूर्ण नहीं होना चाहिए लेकिन ट्वेल्व फेल बिल्कुल सही हो सकती है 12 फेल को ठीक थी, से देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके मूल में फिल्म है माननीय बुनियादी सिद्धांतों का गहरा अभाव है विदु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दैनिक अध्याय ने के बोझ पेचीदा सामाजिक गतिशीलता जीविका के लिए छोटी मोटी नौकरियां और भावनाओं का कक्षा का बहान है बहाव है ओन मोरमा के साजेश मोहन ने अपेक्षा समीक्षा में लिखा अपनी समीक्षा में लिखा मानव श्रोत धराशावना धान पूर्वक तैयार किया गया साउंड स्केप मनोज की यात्रा के दर्द और खुशियों को बढ़ाता है जिस तरह से मानव मनोज और उसकी भावनाओं को अलग करने के लिए अंदर और बाहर पृष्ठभूमि शोर का उपयोग और पुनः उपयोग करता है भीड़ भाड़ वाले दृश्य ध्यान केंद्रित करते हैं ऐसे समय में जब हमारी फिल्मों का नैतिक दिशा निर्देशन रूलेट व्हील जैसा दिखता है यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी आती है जो सच्चाई से सार्वजनिक और निजी जीवन में ईमानदारी का जश्न मनाती है कुछ समय बाद आशा और लचीलेपन की कहानी के साथ टर्न टाइल में लौटते हुए फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने दर्शाया कि कैसे मिट्टी का एक योग्य पुत्र एक प्रजाति जो सिनेमाई परिदृश्य में लुप्त प्राप्त हो रही है। गरीबी और भ्रष्टाचार पर विषय प्राप्त कर सबसे कठिन परीक्षा देती है देश लहजा थोड़ा उपदेशात्मक है और ट्रीटमेंट थोड़ा अतिरिजित है लेकिन यह एक बड़े दिल वाली फिल्म है जो मानवीय अच्छाई के संदेश के साथ आपको कसकर गले लगा लेती है चोपड़ा ने अतीत में अपनी प्रस्तुतियों मुन्ना भाई एम 2003 और थ्री इडियट्स दो के साथ इस आनंदमय भावना को सफलतापूर्वक उत्पन्न किया है और ट्वेल्थ फेल हिंदी क्षेत्र से उनके आध्यात्मिक चचेरे भाई की तरह महसूस मौसू, महसूस की करते हैं वास्तविक जीवन के चरित्र पर आधारित यहाँ चंबल का एक लड़का है जो बंदूक नहीं उठाता जब उसके पिता को उसकी ईमानदारी के लिए दंडित किया जाता है जब वो और उसका भाई आजीविका कमाने की कोशिश करते हैं तो स्थानीय विधायक उनके कदम रोक देते हैं लेकिन वह शत्रुतापूर्ण नहीं बनते इसके बजाय एक ईमानदार पुलिस अधिकारी से प्रेरणा लेते हुए मनोज कुमार शर्मा एक कलम चलाता है और आवंतिक समय में अपनी किस्मत खुद लिखता है लिखना सीखता है ताकि वह वर्ती फी सके और मानवीय न्याय दे सके धोखा देना उसका परिवेश में जीवन जीने जीने का एक तरीका है लेकिन मनोज अपने पिता और दादी से सीखी हुई नेक छवि रखता है प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण करना कमजोर लोगों के लिए नहीं है चाहे वह पढ़ाई में हो या दृढ़ विश्वास में हो यह मनोज कुमार शर्मा विक्रांत महसी की कहानी को असाधारण बनाता है मध्य प्रदेश के चंबल के एक गांव का लड़का बारहवीं की परीक्षा में असफल हो जाता है क्योंकि नए डी में पदस्य दुष्यंत सिंह प्रियांशु चटर्जी शिक्षकों को छात्रों को बोराड बोर्ड परीक्षा में नकल करने से रोकता है मनोज अगले वर्ष तृतीय क्षेत्र में उत्तीर्ण होता है और सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच जाता है उसके पास आग तौर पर आग तौर पर लेकिन ऐसा करने के लिए शैक्षणिक कौशल नहीं है इतना कि उसे यह भी पता नहीं है कि यूपीएससी या आईपीएस प्रोफाइल जैसी कोई चीज़ होती है कहानी मनोज की है और कैसे वह अपने गुरु दोस्तों और प्रेमिका श्रद्धा जोशी के सहयोग से अपने सपने को साकार करते हुए जीवित रहने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करता है फिल्म का हर ट्रैक अपने आप में एक कहानी है मनोज की गुमराह युवास्था से लेकर जहां उसे सही गलत का पता नहीं होता उसके संघर्षों और हर बार शून्य से शुरुआत करने तक की कहानी है दर्शक खुद को मनोज की सफलता या विफलता में शामिल महसूस करता है जब वह अंतिम चरण साक्षात्कार के लिए जाता है तो तनाव पड़ जाता है मौ मौन वीरान और परिवेशी ध्वनि आपको भी अपनी सांसें रोकने पर मजबूर कर देती है कथा आसानी से प्रभावित होती है क्योंकि यह ए पी जे कलाम और बी आर जैसे दिग्गजों के अपने अनुयायी को आहान की याद दिलाती है शिक्षित हो आंदोलन करो संगठित हो फिल्म इस बात पर भी से प्रकाश डालती है कि क्यों राजनेता चाहते हैं कि युवा बने रहे। ताकि उन्हें दबाया जा सके और उन पर शासन किया जा सके विक्रांत में एक मांगलिक भूमिका और किरदार को बहुत ही आत्मविश्वास के साथ निभाते हैं वह हर मोड पर चरित्र के साथ न्याय करता है चाहे वह उत्तेजित हो असहाय हो या स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए दृढ़ हो प्रियांशु चटर्जी डीसीपी के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में चमकते हैं जिनकी ईमानदारी उनकी बहादुरी है एक कलाकार के रूप में उनका कौशल उस दृश्य में स्पष्ट होता है जहां वह अपने वरिष्ठ के रूप में मनोज से मिलते हैं उनकी प्रतिक्रिया एक वरिष्ठ के रूप पर प्रति सम्मान और एक युवा के सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करने के गौ, गौरव का मिश्रण है मनोज के माता पिता के रूप में गीता अग्रवाल शर्मा और हरीश खन्ना अपने सूक्ष्म अभिनय के लिए उल्लेख के पात्र हैं ट्वेल्थ फिल्म शीर्षक श्रेणी की और आवश्यक देखी जाने वाली फिल्म है जो इसके एक मिनट के लगभग हर दृश्य से आपको प्रभावित और प्रेरित करेगी चोपड़ा को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे अंक दिए गए कि उन्हें फिल्म के हर किरदार से सर्वश्रेष्ठ मिले विक्रांत मैसी ने करियर का एक और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया वह लुक और बॉडी लैंग्वेज को परफेक्ट बनाते हैं हालांकि उनके चेहरे का कला का कलापन कुछ ज़्यादा ही लगने लगता है लेकिन जल्द ही मैसी अपनी बेदाग एक्टिंग से आपको उस कमी को भुला देते हैं ऐसा नहीं है कि वह भूमिका को पूर्णता के साथ निभाते हैं बल्कि ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने चरित्र को अपनी आत्मा में समाहित कर लिया है सबसे बढ़कर उनकी बोली भी पूर्णतया परिपूर्ण है मेधा शंकर का किरदार काफ़ी योग्य है लेकिन यह मैसी जितना सशक्त नहीं है वह एक प्यारी और चुलबुली प्रेमिका की भूमिका बखूबी निभाती है लेकिन उसका जीवन उसकी महत्वाकांक्षाएं आदि वास्तव में कम दिखाई जाती है जिससे आपको लगता है कि वह दूसरी भूमिका निभा रही है जो कि नहीं होना चाहिए था यह तथ्य स्पष्ट था कि उनका चरित्र एक पुरुष धारा लिखा गया था क्योंकि उनके चरित्र में बमुश्किल कोई गहराई या व्यक्तित्व था वह बस पापा की परी की तरह महसूस करती थी यहाँ तक कि वह भी उसी परीक्षा को पास करने की कोशिश में उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रही थी उसकी यात्रा इतनी सहज और कठिन समय में से रहित है कि दिखाई गई है खैर इसका एकमात्र उत्तर यह है कि इस किरदार की कल्पना पुरुष दृश्य से की गई थी अनंत वी जोशी ने कथक कथल के बाद एक और दिल छू लेने वाली प्रस्तुति दी उनका अभिनय इतना वास्तविक है कि आपको यह महसूस होता है कि आप भी अपने जीवन में ऐसे किरदारों से मिल चुके हैं किरदार में शरण ही भी की भावनाएं हैं जो इसे इतना प्रशंसिक बनाती है डरे हुए बेटे से लेकर ईर्ष्यालु हमवंदन होने से लेकर हार्दिक दोस्त होने तक उन्होंने सभी भावनाओं को पूर्णता के साथ प्रदर्शित किया है किरदार की कमियों के बावजूद जोशी किरदार को इतना मिला मिलनसार बनाते हैं अंशुमान पुष्कर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बड़े पर्दे के लिए ही बने हैं वह कई ओ शो में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और वह ट्वेल्व फिल्म में फिर से एग्री यंग मैन संस्करण लेकर आया है उनकी भारी आवाज और मर्दाना शारीरिक भाषा के साथ उनका दुबला शरीर उन्हें 1970 के दशक के अमिताभ बच्चन जैसा बनाता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब हम उन्हें फिल्मों में भी बड़े किरदार में देखा देखने का शुरू कर देंगे प्रियांशु चटर्जी को बड़े पर्दे पर वापस देखना बहुत ताज़ा है उनमें हमेशा आकर्षण था और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी समीक्षता काम करती है उनका किरदार छोटा था लेकिन सही मात्रा में था अनुराग पाठक ने उपन्यास फेल पर आधारित विधु विनोद चोपड़ा का लेखन अच्छा है फिर भी बहुत पूर्ण अनुमानित है यह एक दलित व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा करने की कहानी है और इसलिए इसका ग्राफ बहुत पूर्ण अनुमानित है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है नायिका के लेखन के लिए महिला मानस की बहुत अधिक समझ की आवश्यकता है चोपड़ा ने इसे एक पुरुष के दृष्टिकोण से लिखा है जिससे लड़की के चरित्र को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसे सब कुछ चांदी की थाली में परोसा गया है जो आदर्श रूप से ऐसा नहीं है ऐसी कठिन परीक्षाओं के लिए पढ़ाई और तैयारी करने वाली लड़कियों भी इसी तरह के परीक्षणों कष्टों और निराशाओं से गुजरती है जिन्हें कथा में लिया जा, जाना चाहिए था अंत में लड़की के चरित्र को उसके पिता के सामने खड़ा करना लड़की के चरित्र की कहानी में अन्य प्रातियों, प्रातियों को भ्रतियों को दूर नहीं करता है इसके अलावा जबकि टू थ्री लड़के परीक्षा पास करने के लिए कठिन समय का सामना कर रहे हैं केवल दो लड़कियों को दिखाया गया है दूसरी अंत भी और की ऑन स्क्रीन प्रेमिका है के लिए यह केक के टुकड़े के की तरह था वा, कितना सुविधाजनक ऐसा हो सकता था कि अनुराग पाठक की किताब खुद लड़कियों के किरदारों के बारे में ज़्यादा जानकारी न देती हो लेकिन विदु विनोद चोपड़ा जैसे अनुभवी पटकथा लेखन होने के नाते उन्हें पटकथा में उन पहलुओं को जोड़ना चाहिए था ताकि इसे और ता, अधिक सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक बनाया जा सके पिंक्रांत मैसी की एक्टिंग के बाद अगर कोई चीज़ इस फिल्म में शानदार है तो वो है विदु विनोद चोपड़ा का डायरेक्शन जिस तरह से उन्होंने कहानी की कल्पना की है और इसे स्क्रीन पर लाने के तरीके से को, कोई कोई समझौता नहीं किया है वह शानदार है उन्होंने वास्तविक स्थानों पर शूटिंग की है और जिस तरह से वह स्थिति की वास्तविकता को सामने लाते हैं वह आपको अंदर तक छू जाता है शांतनु मोइत्रा का संगीत निश्चित रूप से फिल्म का उच्च बिंदु है उनका बैकग्राउंड स्कोर आपको ऐसा महसूस कराता है मानो आप कहानी के हलचल में बीच वही मौजूद है रंगराजन राम बद्र को शानदार सिनेमाटोग्राफी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन की जरूरत है दिल्ली के मुखर्जी नगर की गलियों में कहानी को शूट करने में कामयाब होना मन को चकित कर देने वाला है आमतौर पर आप परीक्षा के मौसम में उन गलियों में कदम नहीं रख पाएंगे और इतने बड़े कलाकारों और क्रू के साथ वहां शूटिंग करना कठिन रहा होगा और उन्होंने इसे पूर्णता के साथ हासिल किया जस कुंवर कोहली और विदु विनोद चोपड़ा का संपादन अच्छा था लेकिन वे महिलाओं की कथा के बारे में कुछ और जोड़ने की कोशिश कर सकते थे भले ही इसके लिए फिल्म की लंबाई 10 से 15 मिनट और बढ़ा दी गई हो मुझे यकीन है कि दर्शक को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी बारहवीं फेल ट्वेल्थ फेल एक दलित कहानी है जो अन्य सामान्य रास्तों पर चलती है जो आपने पहले देखे होंगे कहानी की पूर्ण अनुमयता के बावजूद फिल्म वास्तव में जोरदार है विदु विनोद चोपड़ा का निर्देशन आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी परीक्षा के लिए बढ़ रहे उन युवा लड़के और लड़कियों के बीच में हैं इसके अलावा विक्रांत मैसी अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं चाहे आप छात्र हो या नहीं यह वास्तव में एक मार्मिक वन टाइम वॉच है यूपीएससी अभ्यर्थियों पर आधारित विधु विनोद चोपड़ा की नई फिल्म में विक्रांत महसी ने अपने करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है कभी कभी यह दलित कहानी होती है जो सही स्वर पकड़ती है और लेखन निर्देशन विधु विनोद चोपड़ा अपनी नवीनता फिल्म ट्वेल्व फेल में अपनी महारत लाते हैं अनुराग पाठक ने इस नाम के उपन्यास पर आधारित चंबल के मनोज कुमार शर्मा की यात्रा का वर्णन करता है जो ट्वेल्व बारहवीं की पढ़ाई छोड़ने के बावजूद सबसे कठिन मानी जाने वाली यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए निकलता है चोपड़ा इस प्रेरक और रोमांचक कहानी को अपने कैनवास के रूप में उपयोग करते हैं और इसे कई भावनाओं दर्द क्रोध विफलता जीत और सहायता और आत्मविश्वास से चित्रित करते हैं विक्रांत मैसी ने मनोज की भूमिका निभाई जिसे एक चाय की दुकान पर फिर आटा चक्की पर काम वेतन वाली नौकरी करते हुए दिखाया गया है और इस बीच उसने शौचालय भी साफ किया है बारहवीं फेल कुछ भी नहीं करता है और परिदृश्य को बच्चों और वास्तविक के रूप में प्रस्तुत करता है संभव है और यह निश्चित रूप से उन हजारों ला, और लाखों छात्रों के साथ प्रतिध्वनित होगा जो साल दर साल यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसमें बैठते हैं जबकि कुछ इसे बनाते हैं अन्य पूर्ण आरंभ करते हैं और इसे एक और मौका देते हैं चोपड़ा हमें फिल्म की शुरुआत में ही यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए रिस्टार्ट फंडा के बारे में बताते हैं और फिल्म के विभिन्न चरणों में इसे सूक्ष्मता से बुनते हुए लगभग अंत तक इस पर कायम रहते हैं ट्वेल्थ फेल हमारी शिक्षा प्रणाली की खामियों पर भी प्रहार करता है जहाँ चंबल में एक स्कूल खुलेआम बच्चों को बोर्ड परीक्षा में नकल कराता है क्योंकि अगर वे बारहवीं कक्षा पास कर लेंगे तभी उन्हें कुछ नौकरियां मिल सकती हैं और वे अपने परिवार के लिए कमा सकते हैं एक दिन जब डीएसपी एस दुष्यंत एक छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका में स्कूल में पहुंचते हैं और बच्चों को नकल करने से रोकते हैं तभी मनोज को एहसास होता है कि यही वह रास्ता है जिस पर वह चलता चाहता था लेकिन अगले साल डीएसपी का तबादला हो जाता है और इसको सामान्य प्रधान प्रथा को लागू करने के लिए वापस आ जाता है और मनोज को छोड़कर हर कोई प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है जो अपने तीसरे श्रेणी से खुश है वह यूपीएससी की कोचिंग के लिए ग्वालियर पहुंचता है परंत किस्मत उसे दिल्ली ले जाती है जहां वह खुद को एक अराजक मुखर्जी नगर इलाके के बीच में पाता है जो दस लाख छात्रों के घर में लिए प्रसिद्ध है जो इसे पाने के लिए देश के सभी हिस्से से आए हैं यूपीएससी में स्थान बारहवीं फेल में मनोज अपनी प्रेमिका श्रद्धा जोशी के साथ इस यात्रा दैनिक बाधाओं को कैसे पार करते हैं इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है मैसी ने शानदार प्रदर्शन किया है जो उनके अब तक के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है हर कदम पर वह अपने किरदार में अनगिनत शेड्स लेकर आते हैं स्कूल में एक किशोर के रूप में वह इस तथ्य से बेखबर है कि नकल करना अनैतिक है एक संघर्षशील यूपीएससी छात्र के रूप में वह धैर्य और दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं और सुनिश्चित करते हैं करते हैं के लिए कि उनके पास अध्ययन करने और जीवित रहने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए पर्याप्त समय है हर रात तीन घंटे सोने से कोई गुरेज नहीं है मैसी मनोज के किरदार को उन सभी पहलुओं में अपनाया है जिनकी आप उम्मीद कर सकते हैं और किसी भी शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हुए इसे तीस अब तक निभाते हैं

सत्ताईस अक्टूबर 2023 को नाटक के रूप से रिलीज हुई ट्वेल्थ फेल को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक स्लीपर हिट के रूप में उभरी जिसने 20 करोड़ के बजट पर दुनिया भर में छियासठ करोड़ से अधिक की कमाई की सिक्सटी नाइन फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित बारह नामांकन प्राप्त हुए दोस्तों बात करें फिल्म की कथानक के बारे में तो दयाश्यु प्रभावित चंबल में जन्म मनोज कुमार शर्मा एक क्लर्क के बेटे हैं उनके पिता एक ईमानदार व्यक्ति को व्यक्ति हैं को एक भ्रष्ट अधिकारी को पीटने के कारण निलंबित कर दिया गया है अपने सभी बैचमेट्स की तरह मनोज भी बारहवीं कक्षा की परीक्षा के लिए नकल की पढ़िया पर्चिया तैयार करते हैं हालांकि एक नौ स्थानांतरित पुलिस अधिकारी डीएसपी एस सिंह स्कूल में नकल करना बंद कर देते हैं परिणामस्वरूप मनोज सहित सभी छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं इस बीच उसके पिता उसके निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती देने जाते हैं मनोज और उनके भाई ने घर में मदद करने के लिए ट्रेवलिंग रिक्शा चलाने का फैसला किया मनोज के भाई पर विधायक के स्थानीय गुर्गों को मारने का झूठा आरोप लगाया गया है क्योंकि उसने अपने यात्रियों को बस में यात्रा कराने की कोशिश की थी जिसके लिए पुलिस अधिकारी उसे फंसाते हैं हालांकि मनोज डीएसपी दुष्यंत की मदद के से अपने भाई को बचा लेता है जो मनोज को उसके जैसा अधिकारी बनने के लिए धोखाधड़ी बंद करने की सलाह देता है एक साल बाद मनोज ने बिना नकल की अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और डीएसपी बनने के लिए बीए की पढ़ाई की जब वह ग्लाइयर में पढ़ाई के लिए निकलता है तो उसकी दादी ने उसे अपनी सारी बचत दे दी लेकिन रास्ते में उसका सारा सामान खो गया तब उन्हें पता चला कि सरकार ने एम की ग्रुप परीक्षाओं को अगले तीन वर्षों के लिए रोकने का फैसला किया है इससे उनका डीएसपी बनने का सपना टूट गया वह तब तक सड़कों पर घूमता रहता है जब तक कि वह बेहोश न हो जाए लेकिन स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास एक स्थानीय होटल मालिक के उसे खाना खिलाता है वहां उसकी मुलाकात प्रतिम पांडे से होती है जो पीएससी परीक्षा के लिए पढ़ाई करने आया था पांडे ने पिता ने उन्हें फोन किया और दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहा मनोज यूपीएससी के बारे में सीखता है और पढ़ाई करने और आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है पास होने के अपने आखिरी प्रयास में उसकी मुलाकात एक साथी प्रतियोगी गौरी भैया से होता है जो मनोज को काम और पढ़ाई के लिए जगह मुहैया कराते हैं गौरी भैया अपने अंतिम प्रयास को पास करने में असमर्थ हैं और एक कोचिंग संस्थान खोलते हैं अपने पहले प्रयास में मनोज प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो जाता है लेकिन गौरी की मदद से वह फिर से परीक्षा देता है और अगले वर्ष इसे पास करने में सफल होता है एक कोचिंग सेंटर की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात यू के पी एस सी की अभ्यार्थी श्रद्धा जोशी से होती है और उससे प्यार हो जाता है वह उसे एक एयरनाटिकल इंजीनियरिंग मानती है और वह यह स्पष्ट नहीं करता है कि वह एक साहित्य स्नातक है कड़ी मेहनत के बावजूद मनोज उस वर्ष अपनी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे जब श्रद्धा को उसके धोखा के बारे में पता चलता है तो उसके साथ उसके रिश्ते में भी खटास आ जाती है निराश होकर मनोज श्रद्धा से माफी मांगने और अपने प्यार का इजहार करने के लिए मसूरी जाता है वह उसे दिल्ली लौटकर तैयार जारी रखने की सलाह देती है इसके बजाय मनोज अपने घर जाता है और पाता है कि उसकी दादी का निधन हो गया है वह परीक्षा उत्तीर्ण करने का निश्चय करके दिल्ली लौटता है निराश होकर गौरी मनोज को अपने घर ले जाती है और उससे कहती है कि वह छोटी मोटी नौकरियां छोड़ दे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे वह अंतत मुख्य परीक्षाओं में असफल हो जाता है जबकि श्रद्धा डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए यूकी UK, यूके परीक्षाओं में भी सफल हो जाती है इस बीच प्रीतम और जो अपनी परीक्षा में असफल हो गया अफवाह फैलाता है कि श्रद्धा मनोज के साथ सो रही है मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाते हैं लेकिन उन्हें एहसास होता है कि प्रीतम वास्तव में एक रिपोर्टर बनना चाहते थे लेकिन उनके पिता ने उन पर यू, यू करने के लिए दबाव डाला मनोज ने प्रीतम को अपने पिता के सामने खड़े होने की सलाह दी इंटरव्यू राउंड के दौरान मनोज हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देते हैं उसे श्रद्धाधारा लिखा गया एक पत्र भी मिलता है जिसमें उससे शादी करने के लिए कहा गया है दो महीने बाद परिणाम घोषित किए गए और मनोज ने आईपीएस अधिकारी बनने के लिए रैंक हासिल कर ली एक साल बाद मनोज जो अब एक आईपीएस अधिकारी है मंदसौर के पुलिस स्टेशन में डीएसपी दुष्यंत सिंह से मिलता है और उसे प्रोत्साहित करने के लिए डीएसपी को धन्यवाद देता है मनोज ने श्रद्धा से शादी कर ली और प्रीतम ने एक समाचार रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया विक्रांत मैसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में मेधा शंकर श्रद्धा जोशी के रूप में अनंत वी जोशी प्रीतम पांडे के रूप में गौरी भैया के रूप में अंशुमान पुष्कर डीएसपी दुष्यंत सिंह के रूप में प्रियांशु चटर्जी गीता अग्रवाल शर्मा पुष्पा शर्मा मनोज की मां के रूप में मनोज के पिता रामवीर शर्मा के रूप में हरीश खन्ना मनोज की दादी के रूप में सरिता जोशी नवल के रूप में संजय बिशोई विकास दिव्य कीर्ति सोय के रूप में सुंदर के रूप में विजय कुमार डोगरा मनोज की छोटी बहन रजनी शर्मा के रूप में पेरी छबड़ा श्रद्धा के पिता के रूप में नीरज कालरा श्री सोलंकी के रूप में डेरियस सिन्हा तानिया के रूप में राधिका जोशी फसी खान किशन के रूप में श्रद्धा के घर का नौकर श्री मेहता मनोज के यूपीएससी साक्षात्कार के रूप में राहुल देव सिट्टी नवंबर दो में फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल पर आधारित फिल्म की घोषणा की यह फिल्म आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है नवंबर 2022 में चोपड़ा ने घोषित की कि अभिनेता मैसी मुख्य पहले सहयोग को चिन्हित करेगा यूपीएससी कोच विकास दिव्य कीर्ति को स्क्रीन पर खुद की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था कई वास्तविक जीवन के यूपीएससी उम्मीदवारों को विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया मैसी के अनुसार इसने फिल्म में प्रामिकर्ता जोड़ दी शर्मा और जोशी दोनों ने फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई फिल्म की शूटिंग मुख्य भूमिका मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दो शिक्षा केंद्रों राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया था फिल्मांकन दो दिसंबर 2022 में पूरा हुआ ट्वेल्थ फेल का टीजर 10 अगस्त दो को रिलीज किया गया था जबकि इसका ट्रेलर 3 अक्टूबर दो को रिलीज़ किया गया था फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी हिंदी में सफलता के बाद निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को तमिल तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में डब किया जाएगा और 3 नवंबर दो हज़ार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म की स्ट्रीमिंग 29 दिसंबर दो हज़ार तेईस से डिजनी प्लस हॉटस्टार पर शुरू हुई फिल्म का संगीत शांतनु मोत्रा ने तैयार किया है जबकि गीत स्वानंद किरकिरे और रफ्तार ने लिखे हैं सितार और वासुरी के उपयोग के साथ मायत्रा धारा फिल्म का पृष्ठभूमि स्कोर बंगाली फ़िल्म पाथेरा पांच साल उन्नीस पचपन में पंडित रविशंकर के स्कोर से प्रेरित था ट्वेल्थ फेल को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट टोमेटोज़ पर दस आलोचकों में से नब्बे समीक्षा सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग दस में से सिक्स है एनडीटीवी के शैव चटर्जी ने पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार देते हुए और कहा यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई अधिकारी के जीवन का एक मूल चित्रण है ट्वेल्थ फेल एक विचारोत्मक और मनोरंजक फिल्म है पटकथा धारा एक वास्तविक से में सहानुभूतिपूर्ण कहानी तैयार की जाती है यह आदमी की यात्रा के उतार चढ़ाव से नाटक के हर आखिरी हिस्से को निकालने के लिए किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से परहेज करता है मिड डे के मयंक शेखर ने पाँच में से चार स्टार दिए और फिल्म दिस इज द इंडियन स्टोरी की समीक्षा की हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकर ने अपनी समीक्षा में कहा कि ट्वेल्थ फेल न केवल यूपीएससी के छात्रों की कठिनाइयों और भावनाओं को समझने के लिए आवश्यक देखी जानी चाहिए बल्कि यह हमारे सिस्टम में समग्र शिक्षा पर भी प्रकाश डालती है कुछ ऐसा जो चोपड थ्री इडियट्स दो से दिल जीता द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्र गुप्ता ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा कि साउंड ट्रैक और मूड में छिटफुट उतार चढ़ाव के बावजूद ट्वेल्थ फेल ज़्यादातर एक जमीनी हकीकत वाली फिल्म है जिसमें ऐसे पात्र हैं जो सड़क से भटक गए हैं और साथ घूम रहे हैं हमें प्रेरणा से भरपूर जीवन के सबसे सबक साझा करते हुए इसमें न केवल बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हैं बल्कि इसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं जो उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे कोचिंग सुविधाओं वाले लोकप्रिय क्षेत्रों में एकत्रित एकत्रित होते हैं इन लोगों की छवि अपने घरों से दूर छोटी छोटी जगहों में रहकर परीक्षा पास करने और जो है उसे बदलने की कोशिश में दिन रात पढ़ाई करते हैं यह एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय कहानी है रेडिफ डॉट कॉम की दीपा गहलोत ने विक्रांत मैसी के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा अगर विक्रांत मैसी इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीतते हैं तो यह उस अभिनेता के साथ अन्याय होगा जिसने इतने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया है टाइम्स ऑफ इंडिया के धावल रोहित ने पाँच में से चार स्टार दिए और अपनी समीक्षा में कहा कि ट्वेल्थ फेल एक उत्कृष्ट फिल्म है जिसकी अत्यधिक अनु अनुशंसा की जानती है इसके एक मिनट के लगभग हर दृश्य से आप प्रेरित और चकित महसूस करते हैं चोपड़ा को यह सुनिश्चित करने के लिए बधाई की फिल्म में प्रत्येक किरदार को उनका सर्वश्रेष्ठ मौका दिया जाए इंडिया टुडे की भावना अग्रवाल ने पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा विक्रांत महसी प्रदर्शन शीट पर शानदार प्रदर्शन के साथ उत्तीर्ण हुए द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा ट्वेल्थ और सफल फिल्म समीक्षा विधु विनोद विधु विनोद चोपड़ा ने आशा की कि द हिंदू की अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा ट्वेल्थ फेल असफल फिल्म समीक्षा विधु विनोद चोपड़ा ने आशा की एक और झप्पी दी जो जादुई से भी अधिक गंभीर है सी एन बी सी टी वी अठारह एटीन की स्नेहा बेंगानी ने फिल्म की समीक्षा करते हुए लिखा दृढ़ता की इस उल्लेखनीय कहानी के माध्यम से विक्रांत मैसी को ताकत मिलती है जी न्यूज के गुंजन डी डॉट बिंदानी ने पाँच में से चार स्टार देते हुए लिखा युक्तिपूर्ण नहीं होना चाहिए लेकिन ट्वेल्व फेल बिल्कुल सही हो सकती है 12 फेल को ठीक थी, से देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके मूल में फिल्म है बुनियादी सिद्धांतों का गहरा अभाव है चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दैनिक अध्याय ने के बोझ पेचीदा सामाजिक गतिशीलता जीविका के लिए छोटी मोटी नौकरियां और भावनाओं का क्षा का बहान है बहाव है ओन मुरमा के साजेश मोहन ने अपेक्षा समीक्षा में लिखा अपनी समीक्षा में लिखा मानो श्रोतीय श्रोत धान पूर्वक तैयार किया गया साउंड स्केप मनोज की यात्रा के दर्द और खुशियों को बढ़ाता है जिस तरह से मानव मनोज और उसकी भावनाओं को अलग करने के लिए अंदर और बाहर पृष्ठभूमि शोर का उपयोग और पुनः उपयोग करता है भीड़ भाड़ वाले दृश्य ध्यान केंद्रित करते हैं ऐसे समय में जब हमारी फिल्मों का नैतिक दिशा निर्देशन रूलेट व्हील जैसा दिखता है यहां एक प्रेरणादायक कहानी आती है जो सच्चाई से सार्वजनिक और निजी जीवन में ईमानदारी का जश्न मनाती है कुछ समय बाद आशा और लचीलेपन की कहानी के साथ टर्न टाइल में लौटते हुए फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने दर्शाया कि कैसे मिट्टी का एक योग्य पुत्र एक प्रजाति जो सिनेमाई परिदृश्य में लुप्त प्राप्त हो रही है। गरीबी और भ्रष्टाचार पर विषय प्राप्त कर सबसे कठिन परीक्षा देती है देश लहजा थोड़ा उपदेशात्मक है और ट्रीटमेंट थोड़ा अतिरिजित है लेकिन यह एक बड़े दिल वाली फिल्म है जो मानवीय अच्छाई के संदेश के साथ आपको कसकर गले लगा लेती है चोपड़ा ने अतीत में अपनी प्रस्तुतियों मुन्ना भाई एम 2003 और थ्री इडियट्स दो के साथ इस आनंदमय भावना को सफलतापूर्वक उत्पन्न किया है और ट्वेल्थ फेल हिंदी क्षेत्र से उनके आध्यात्मिक चचेरे भाई तरह मौसू, की तरह महसूस महसूस करते हैं वास्तविक जीवन के चरित्र पर आधारित यहाँ चंबल का एक लड़का है जो बंदूक नहीं उठाता जब उसके पिता को उसकी ईमानदारी के लिए दंडित किया जाता है जब वह और उसका भाई आजीविका कमाने की कोशिश करते हैं तो स्थानीय विधायक उनके कदम रोक देते हैं लेकिन वह शत्रुतापूर्ण नहीं बनते इसके बजाय एक ईमानदार पुलिस अधिकारी से प्रेरणा लेते हुए मनोज कुमार शर्मा एक कलम चलाता है और आवंतिक समय में अपनी किस्मत खुद लिखता है लिखना सीखता है ताकि वह वर्ती फी पहुंच सके और मानवीय न्याय दे सके धोखा देना उसका परिवेश में जीवन जीने जीने का एक तरीका है लेकिन मनोज अपने पिता और दादी से सीखी हुई नेक छवि रखता है प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करना कमजोर लोगों के लिए नहीं है चाहे वह पढ़ाई में हो या दृढ़ विश्वास में हो यह मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मैसी की कहानी को असाधारण बनाता है मध्य प्रदेश के चंबल के एक गांव का लड़का बारहवीं की परीक्षा में असफल हो जाता है क्योंकि नए डी में पदस्य दुष्यंत सिंह प्रियांशु चटर्जी शिक्षकों को छात्रों को बोराड बोर्ड परीक्षा में नकल करने से रोकता है मनोज अगले वर्ष तृतीय क्षेत्र में उत्तीर्ण होता है और सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच जाता है उसके पास आग तौर पर आग तौर पर लेकिन ऐसा करने के लिए शैक्षणिक कौशल नहीं है इतना कि उसे यह भी पता नहीं है कि यू या आई प्रोफाइल जैसी कोई चीज़ होती है कहानी मनोज की है और कैसे वह अपने गुरु दोस्तों और प्रेमिका श्रद्धा जोशी के सहयोग से अपने सपने को साकार करते हुए जीवित रहने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करता है फिल्म का हर ट्रैक अपने आप में एक कहानी है मनोज की गुमराह युवास्था से लेकर जहां उसे सही गलत का पता नहीं होता उसके संघर्षों और हर बार शून्य से शुरुआत करने तक की कहानी है दर्शक खुद को मनोज की सफलता या विफलता में शामिल महसूस करता है जब वह अंतिम चरण साक्षा के लिए जाता है तो तनाव पड़ जाता है मौन वीरान और परिवेशी ध्वनि आपको भी अपनी सांसें रोकने पर मजबूर कर देती है कथा आसानी से प्रभावित होती है क्योंकि यह एपीजे कलाम और बी आर आम्बेडकर जैसे दिग्गजों के अपने अनुयायी को आहान की याद दिलाती है शिक्षित हो आंदोलन करो संगठित हो फिल्म इस बात पर भी से प्रकाश डालती है कि कि क्यों राजनेता चाहते हैं युवा बने रहें, ताकि उन्हें दबाया जा सके और उन पर शासन किया जा सके विक्रांत में एक मांगलिक भूमिका और किरदार को बहुत ही आत्मविश्वास के साथ निभाते हैं वह हर मोड पर चरित्र के साथ न्याय करता है चाहे वह उत्तेजित हो असहाय हो या स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए दृढ़ हो प्रियांशु चटर्जी डी के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में चमकते हैं जिनकी ईमानदारी उनकी बहादुरी है एक कलाकार के रूप में उनका कौशल उस दृश्य में स्पष्ट होता है जहां वह अपने वरिष्ठ के रूप में से मिलते हैं उनकी प्रतिक्रिया एक वरिष्ठ के रूप पर प्रति सम्मान और एक युवा के सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करने के गौ, गौरव का मिश्रण है। मनोज के माता पिता के रूप में गीता अग्रवाल शर्मा और हरीश खन्ना अपने सूक्ष्म अभिनय के लिए उल्लेख के पात्र हैं। ट्वेल्थ फिल्म शीर्षक श्रेणी की और आवश्यक देखी जाने वाली फिल्म है जो इसके एक से से मिनट के लगभग हर दृश्य से आपको प्रभावित और प्रेरित करेगी चोपड़ा को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे अंक दिए गए कि उन्हें फिल्म के हर किरदार से सर्वश्रेष्ठ मिले विक्रांत मैसी ने करियर का एक और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया वह लुक और बॉडी लैंग्वेज को परफेक्ट बनाते हैं हालांकि उनके चेहरे का कला का कलापन कुछ ज़्यादा ही लगने लगता है लेकिन जल्द ही मैसी अपनी बेदाग एक्टिंग से आपको उस कमी को भुला देते हैं ऐसा नहीं है कि वह भूमिका को पूर्णता के साथ निभाते हैं बल्कि ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने चरित्र को अपनी आत्मा में समाहित कर लिया है सबसे बढ़कर उनकी बोली भी पूर्णतया परिपूर्ण है मेधा शंकर का किरदार काफ़ी योग्य है लेकिन यह मैसी जितना सशक्त नहीं है वह एक प्यारी और चुलबुली प्रेमिका की भूमिका बखूबी निभाती है लेकिन उसका जीवन उसकी महत्वाकांक्षाएं आदि वास्तव में कम दिखाई जाती है जिससे आपको लगता है कि वह दूसरी भूमिका निभा रही है जो कि नहीं होना चाहिए था यह तथ्य स्पष्ट था कि उनका चरित्र एक पुरुष धारा लिखा गया था क्योंकि उनके चरित्र में बमुश्किल कोई गहराई या व्यक्तित्व था वह बस पापा की परी की तरह महसूस करती थी यहाँ तक कि वह भी उसी परीक्षा को पास करने की कोशिश में उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रही थी उसकी यात्रा इतनी सहज और कठिन समय में से रहित है कि दिखाई गई है खैर इसका एकमात्र उत्तर यह है कि इस किरदार की कल्पना पुरुष दृश्य से की गई थी अनंत वी जोशी ने कथक कथल के बाद एक और दिल छू लेने वाली प्रस्तुति दी उनका अभिनय इतना वास्तविक है कि आपको यह महसूस होता है कि आप भी अपने जीवन में ऐसे किरदारों से मिल चुके हैं किरदार में शवा तरन ही भी की भावनाएं हैं जो इसे इतना प्रशंसिक बनाती है डरे हुए बेटे से लेकर ईर्ष्यालु हमवदतन होने से लेकर हार्दिक दोस्त होने तक उन्होंने सभी भावनाओं को पूर्णता के साथ प्रदर्शित किया है किरदार की कमियों के बावजूद जोशी किरदार को इतना मिला मिलनसार बनाते हैं अंशुमान पुष्कर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बड़े पर्दे के लिए ही बने हैं वह कई ओटीटी शो में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और वह ट्वेल्थ फिल्म में फिर से एग्री यंग मैन संस्करण लेकर आया है उनकी भारी आवाज और मर्दाना शारीरिक भाषा के साथ उनका दुबला शरीर उन्हें 1970 के दशक के अमिताभ बच्चन जैसा बनाता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब हम उन्हें फिल्मों में भी बड़े किरदार में देखा देखने का शुरू कर देंगे प्रियांशु चटर्जी को बड़े पर्दे पर वापस देखना बहुत ताज़ा है उनमें हमेशा आकर्षण था और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी समीक्षता काम करती है उनका किरदार छोटा था लेकिन सही मात्रा में था अनुराग पाठक ने उपन्यास ट्वेल्व फेल पर आधारित विधु विनोद चोपड़ा का लेखन अच्छा है फिर भी बहुत पूर्णानुमानित है यह एक दलित व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा करने की कहानी है और इसलिए इसका ग्राफ बहुत पूर्ण अनुमानित है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है नायिका के लेखन के लिए महिला मानस की बहुत अधिक समझ की आवश्यकता है चोपड़ा ने इसे एक पुरुष के दृष्टिकोण से लिखा है जिससे लड़की के चरित्र को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसे सब कुछ चांदी की थाली में परोसा गया है जो आदर्श रूप से ऐसा नहीं है ऐसी कठिन परीक्षाओं के लिए पढ़ाई और तैयारी करने वाली लड़कियों भी इसी तरह के, के चरित्र को उसके पिता के सामने खड़ा करना लड़की के चरित्र की कहानी में अन्य प्रति प्रातियों को भ्रतियों को दूर नहीं करता है इसके अलावा जबकि टू थ्री लड़के परीक्षा पास करने के लिए कठिन समय का सामना कर रहे हैं केवल दो लड़कियों को दिखाया गया है दूसरी अंतवी जोशी की ऑन स्क्रीन प्रेमिका है के लिए यह केक के टुकड़े की तरह था व कितना सुविधाजनक ऐसा हो सकता था कि अनुराग पाठक की किताब खुद लड़कियों के किरदारों के बारे में ज्यादा जानकारी न देती हो लेकिन विदु विनोद चोपड़ा जैसे अनुभवी पटकथा लेखन होने के नाते उन्हें पटकथा में उन पहलुओं को जोड़ना चाहिए था ताकि इसे और ता अधिक सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक बनाया जा सके विक्रांत मैसी की एक्टिंग के बाद अगर कोई चीज इस फिल्म में शानदार है तो वो है विदु विनोद चोपड़ा का डायरेक्शन जिस तरह से उन्होंने कहानी की कल्पना की है और इसे स्क्रीन पर लाने के तरीके से को कोई समझौता नहीं किया है वह शानदार है उन्होंने वास्तविक स्थानों पर शूटिंग की है और जिस तरह से वह स्थिति की वास्तविकता को सामने लाते हैं वह आपको अंदर तक छू जाता है शांतनु मोइत्रा मोहित्रा का संगीत निश्चित रूप से फिल्म का उच्च बिंदु है उनका बैकग्राउंड स्कोर आपको ऐसा महसूस कराता है मानो आप कहानी के हलचल में बीच वही मौजूद है रंगराजन राम को शानदार सिनेमाटोग्राफी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन की जरूरत है दिल्ली के मुखर्जी नगर की गलियों में कहानी को शूट करने में कामयाब होना मन को चकित कर देने वाला है आमतौर पर आप परीक्षा के मौसम में उन गलियों में कदम नहीं रख पाएंगे और इतने बड़े कलाकारों और क्रू के साथ वहाँ शूटिंग करना कठिन रहा होगा और उन्होंने इसे पूर्णता के साथ हासिल किया जस कुंवर कोहली और विदु विनोद चोपड़ा का संपादन अच्छा था लेकिन वे महिलाओं की कथा के बारे में कुछ और जोड़ने की कोशिश कर सकते थे भले ही इसके लिए फिल्म की लंबाई 10 से 15 मिनट और बढ़ा दी गई हो मुझे यकीन है कि दर्शक को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी बारहवीं फेल ट्वेल्थ फेल एक दलित कहानी है जो अन्य सामान्य रास्तों पर चलती है जो आपने पहले देखे होंगे कहानी की पूर्ण अनुमयता के बावजूद फिल्म वास्तव में जोरदार है विदु विनोद चोपड़ा का निर्देशन आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी परीक्षा के लिए बढ़ रहे उन युवा लड़के और लड़कियों के बीच में हैं इसके अलावा विक्रांत मैसी अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं चाहे आप छात्र हो या नहीं यह वास्तव में एक मार्मिक वन टाइम वॉच है यूपीएससी अभ्यर्थियों पर आधारित विधु विनोद चोपड़ा की नई फिल्म में विक्रांत मैसी ने अपने करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है कभी कभी यह दलित कहानी होती है जो सही स्वर पकड़ती है और लेखन निर्देशन विधु विनोद चोपड़ा अपनी नवीनता फिल्म ट्वेल्व फेल में अपनी महारत लाते हैं अनुराग पाठक ने इस नाम के उपन्यास पर आधारित यह चंबल के मनोज कुमार शर्मा की यात्रा का वर्णन करता है जो ट्वेल्थ बारहवीं की पढ़ाई छोड़ने के बावजूद सबसे कठिन मानी जाने वाली यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए निकलता है चोपड़ा इस प्रेरक और रोमांचक कहानी को अपने कैनवास के रूप में उपयोग करते हैं और इसे कई भावनाओं दर्द क्रोध विफलता जीत और सहायता और आत्मविश्वास से चित्रित करते हैं विक्रांत मैसी ने मनोज की भूमिका निभाई जिसे एक चाय की दुकान पर फिर आटा चक्की पर काम वेतन वाली नौकरी करते हुए दिखाया गया है और इस बीच उसने शौचालय भी साफ किया है बारहवीं फेल कुछ भी नहीं करता है और परिदृश्य को बच्चों और वास्तविक के रूप में प्रस्तुत करता है संभव है और यह निश्चित रूप से उन हजारों ला, और लाखों छात्रों के साथ प्रतिन प्रतिध्वनित होगा जो साल दर साल यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसमें बैठते हैं जबकि कुछ इसे बनाते हैं अन्य पूर्ण आरंभ करते हैं और इसे एक और मौका देते हैं चोपड़ा हमें फिल्म की शुरुआत में ही यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए रिस्टार्ट फंडा के बारे में बताते हैं और फिल्म के विभिन्न चरणों में इसे सूक्ष्मता से बुनते हुए लगभग अंत तक इस पर कायम रहते हैं ट्वेल्थ फेल हमारी शिक्षा प्रणाली की खामियों पर भी प्रहार करता है जहाँ चंबल में एक स्कूल खुलेआम बच्चों को बोर्ड परीक्षा में नकल कराता है क्योंकि अगर वे बारहवीं कक्षा पास कर लेंगे तभी उन्हें कुछ नौकरियां मिल सकती है और वे अपने परिवार के लिए कमा सकते हैं एक दिन जब डीएसपी दुष्यंत एक छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका में स्कूल में पहुँचते हैं और बच्चों को नकल करने से रोकते हैं तभी मनोज को एहसास होता है कि यही वह रास्ता है जिस पर वह चलता चा, चाहता था लेकिन अगले साल डीएसपी का तबादला हो जाता है और इसको सामान्य प्रधान प्रथा को लागू करने के लिए वापस आ जाता है और मनोज को छोड़कर हर कोई प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है जो अपने तीसरे श्रेणी से खुश है वह यूपीएससी की कोचिंग के लिए ग्वालियर पहुंचता है परंत किस्मत उसे दिल्ली ले जाती है जहां वह खुद को एक अराजक मुखर्जी नगर इलाके के बीच में पाता है जो दस लाख छात्रों के घर में लिए प्रसिद्ध है जो इसे पाने के लिए देश के सभी हिस्से से आए हैं यूपीएससी में स्थान बारहवीं फेल में मनोज अपनी प्रेमिका श्रद्धा जोशी के साथ इस यात्रा दैनिक बाधाओं को कैसे पार करते हैं इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है मैसी ने शानदार प्रदर्शन किया जो उनके अब तक के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है हर कदम पर वह अपने किरदार में अनगिनत शेड्स लेकर आते हैं स्कूल में एक किशोर के रूप में वह इस तथ्य से बेखबर है कि नकल करना अनैतिक है एक संघर्षलीय यूपीएससी छात्र के रूप में वह धैर्य और दृढ़ संकल्प से भरे हुए है और यह सुनिश्चित करते करते हैं करते हैं के लिए कि उनके पास अध्ययन करने और जीवित रहने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए पर्याप्त समय है हर रात तीन घंटे सोने से कोई गुरेज नहीं है मैसी मनोज के किरदार को उन सभी पहलुओं में अपनाया है जिनकी आप उम्मीद कर सकते हैं और किसी भी शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हुए इसे तीस अब तक निभाते हैं ट्वेल्थ फिल्म दो हज़ार तेईस की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण और लेखन विदु विनोद चोपड़ा ने किया है यह मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में अनुराग पाठक की 2019 हजार उन्नीस की अनामगैर काल्पनिक किताब पर आधारित है जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया फिल्म में विक्रांत महसी मुख्य भूमिका में है उनके साथ मेधा शंकर अनंत भी जोशी अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी है सताइस अक्टूबर दो को नाटक रूप से रिलीज हुई ट्वेल्थ फेल को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक स्लीपर हिट के रूप में उभरी जिसने 20 करोड़ के बजट पर दुनिया भर में 66 करोड़ से अधिक की कमाई की सिक्सटी नाइनवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित बारह नामांकन प्राप्त हुए दोस्तों बात करें फिल्म की कथानक के बारे में तो दासु प्रभावित चंबल में जन्मे मनोज कुमार शर्मा एक क्लर्क के बेटे हैं उनके पिता एक ईमानदार व्यक्ति को व्यक्ति हैं को एक भ्रष्ट अधिकारी को पीटने के कारण निलंबित कर दिया गया है अपने सभी बैचमेट्स की तरह मनोज भी बारहवीं कक्षा की परीक्षा के लिए नकल की पढ़िया पर्चिया तैयार करते हैं हालांकि एक नौ स्थानांतरित पुलिस अधिकारी डीएसपी दुष्यंत सिंह स्कूल में नकल करना बंद कर देते हैं परिणामस्वरूप मनोज सहित सभी छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं इस बीच उसके पिता उसके निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती देने जाते हैं मनोज और उनके भाई ने घर में मदद करने के लिए ट्रेवलिंग रिक्शा चलाने का फैसला किया मनोज के भाई पर विधायक के स्थानीय गुर्गों को मारने का झूठा आरोप लगाया गया है क्योंकि उसने अपने यात्रियों को बस में यात्रा कराने की कोशिश की थी जिसके लिए पुलिस अधिकारी उसे फंसाते हैं हालांकि मनोज डीएसपी दुष्यंत की मदद के से अपने भाई को बचा लेता है जो मनोज को उसके जैसा अधिकारी बनने के लिए धोखाधड़ी बंद करने की सलाह देता है एक साल बाद मनोज ने बिना नकल की अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और डीएसपी बनने के लिए बीए की पढ़ाई की जब वह ग्लायर में पढ़ाई के लिए निकलता है तो उसकी दादी ने उसे अपनी सारी बचत दे दी लेकिन रास्ते में उसका सारा सामान खो गया तब उन्हें पता चला कि सरकार ने एम की ग्रुप परीक्षाओं को अगले तीन वर्षों के लिए रोकने का फैसला किया है इससे उनका डीएसपी बनने का सपना टूट गया वह तब तक सड़कों पर घूमता रहता है जब तक कि वह बेहोश न हो जाए लेकिन स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास एक स्थानीय होटल मालिक के उसे खाना खिलाता है वहां उसकी मुलाकात प्रतिम पांडे से होती है जो पीएससी परीक्षा के लिए पढ़ाई करने आया था पांडे ने पिता ने उन्हें फोन किया और दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहा मनोज यूपीएससी के बारे में सीखता है और पढ़ाई करने और आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है पास होने के अपने आखिरी प्रयास में उसकी मुलाकात एक साथी प्रतियोगी गौरी भैया से होता है जो मनोज को काम और पढ़ाई के लिए जगह मुहैया कराते हैं गौरी भैया अपने अंतिम प्रयास को पास करने में असमर्थ हैं और एक कोचिंग संस्थान खोलते हैं अपने पहले प्रयास में मनोज प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो जाता है लेकिन गौरी की मदद से वह फिर से परीक्षा देता है और अगले वर्ष इसे पास करने में सफल होता है एक कोचिंग सेंटर की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात यूकेपीएससी पी एस सी की अभ्यार्थी श्रद्धा जोशी से होती है और उससे प्यार हो जाता है वह उसे एक एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग मानती है और वह यह स्पष्ट नहीं करता है कि वह एक साहित्य स्नातक है कड़ी मेहनत के बावजूद मनोज उस वर्ष अपनी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे जब श्रद्धा को उसके धोखा के बारे में पता चलता है तो उसके उसके साथ उसके रिश्ते में भी खटास आ जाती है, निराश होकर मनोज से माफी मांगने और अपने प्यार का इजहार करने के लिए मसूरी जाता है वह उसे दिल्ली लौटकर तैयार जारी रखने की सलाह देती है इसके बजाय मनोज अपने घर जाता है और पाता है कि उसकी दादी का निधन हो गया है वह परीक्षा उत्तीर्ण करने का निश्चय करके दिल्ली लौटता है निराश होकर गौरी मनोज को अपने घर ले जाती है और उससे कहती है कि वह छोटी मोटी नौकरियां छोड़ दे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे वह अंत मुख्य परीक्षाओं में असफल सफल हो जाता है जबकि श्रद्धा डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए यूकी UK, यूके परीक्षाओं में भी सफल हो जाती है इस बीच प्रीतम और जो अपनी परीक्षा में असफल हो गया अफवाह फैलाता है कि श्रद्धा मनोज के साथ सो रही है मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाते हैं लेकिन उन्हें एहसास होता है कि प्रीतम वास्तव में एक रिपोर्टर बनना चाहते थे लेकिन उनके पिता ने उन पर यू, यू करने के लिए दबाव डाला मनोज ने प्रीतम को अपने पिता के सामने खड़े होने की सलाह दी इंटरव्यू राउंड के दौरान मनोज हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देते हैं उसे धारा लिखा गया एक पत्र भी मिलता है जिसमें उससे शादी करने के लिए कहा गया है दो महीने बाद परिणाम घोषित किए गए और मनोज ने आईपीएस अधिकारी बनने के लिए रैंक हासिल कर ली एक साल बाद मनोज जो अब एक आईपीएस अधिकारी है मंदसौर के पुलिस स्टेशन में डीएसपी दुष्यंत सिंह से मिलता है और उसे प्रोत्साहित करने के लिए डीएसपी को धन्यवाद देता है मनोज ने श्रद्धा से शादी कर ली और प्रीतम ने एक समाचार रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया विक्रांत मैसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में मेधा शंकर श्रद्धा जोशी के रूप में अनंत वी जोशी प्रीतम पांडे के रूप में गौरी भैया के रूप में अंशुमान पुष्कर डीएसपी दुष्यंत सिंह के रूप में प्रियांशु चटर्जी गीता अग्रवाल शर्मा पुष्पा शर्मा मनोज की मां के रूप में मनोज के पिता रामवीर शर्मा के रूप में हरीश खन्ना मनोज की दादी के रूप में सरिता जोशी नवल के रूप में संजय बिशोई विकास दिव्य कीर्ति सोय के रूप में सुंदर के रूप में विजय कुमार डोगरा मनोज की छोटी बहन रजनी शर्मा के रूप में पेरी छबड़ा श्रद्धा के पिता के रूप में नीरज कालरा श्री सोलंकी के रूप में डेरियस सिन्हा तानिया के रूप में राधिका जोशी फसी खान किशन के रूप में श्रद्धा के घर का नौकर श्री मेहता मनोज के यूपीएससी साक्षात्कारकर्ता के रूप में राहुल देव सिट्टी नवंबर दो में फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल पर आधारित फिल्म की घोषणा की यह फिल्म आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आर अधिकारी श्रद्धा जोशी की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है नवंबर 2022 में चोपड़ा ने घोषित की कि अभिनेता विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका निभाएंगे जो उनके पहले सहयोग को चिन्हित करेगा यूपीएससी कोच विकास दिव्य कीर्ति को स्क्रीन पर खुद की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था कई वास्तविक जीवन के यूपीएससी उम्मीदवारों को विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया मैसी के अनुसार इसने फिल्म में प्रामिकर्ता जोर दी शर्मा और जोशी दोनों ने फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई फिल्म की शूटिंग मुख्य भूमिका मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दो शिक्षा केंद्रों राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया था फिल्मांकन दो दिसंबर 2022 में पूरा हुआ ट्वेल्थ फेल का टीजर 10 अगस्त दो को रिलीज किया गया था जबकि इसका ट्रेलर 3 अक्टूबर दो को रिलीज किया गया था फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी हिंदी में सफलता के बाद निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को तमिल तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में डब किया जाएगा और तीन नवम्बर दो को रिलीज किया जाएगा फिल्म की स्ट्रीमिंग 29 दिसंबर दो से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर शुरू हुई फिल्म का संगीत शांतनु मोत्रा ने तैयार किया है जबकि गीत स्वानंद किरकिरे और रफ्तार ने लिखे हैं सितार और वासुरी के उपयोग के साथ मायत्रा धारा फिल्म का पृष्ठभूमि स्कोर बंगाली फ़िल्म पाथेरा पांच साल उन्नीस सौ में पंडित रविशंकर के स्कोर से प्रेरित था ट्वेल्थ फेल को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन Tomatoes पर 10 आलोचकों में से 90% समीक्षा सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 6.8 है एनडीटीवी के शैव चटर्जी ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए और कहा यह एक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी के जीवन का एक मूल चित्रण है 12th फेल एक विचारोत्मक और मनोरंजक फिल्म है धारा एक वास्तविक से में सहानुभूतिपूर्ण कहानी तैयार की जाती है यह आदमी की यात्रा के उतार चढ़ाव से नाटक के हर आखिरी हिस्से को निकालने के लिए किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से परहेज करता है मिड डे के मयंक शेखर ने पाँच में से चार स्टार दिए और फिल्म दिस इज द इंडियन स्टोरी की समीक्षा की हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल को क्रेजा ने अपनी समीक्षा में कहा कि ट्वेल्थ फेल न केवल यूपीएससी के छात्रों की कठिनाइयों और भावनाओं को समझने के लिए आवश्यक देखी जानी चाहिए बल्कि यह हमारे सिस्टम में समग्र शिक्षा पर भी प्रकाश डालती है कुछ ऐसा जो चोपड़ा ने थ्री इडियट्स से दिल जीता द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्र गुप्ता ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा कि साउंड ट्रैक और मूड में छिटफुट उतार चढ़ाव के बावजूद ट्वेल्थ फेल ज्यादातर एक जमीनी हकीकत वाली फिल्म है जिसमें ऐसे पात्र हैं जो सड़क से भटक गए हैं और साथ घूम रहे हैं हमें प्रेरणा से भरपूर जीवन के सबसे सबक साझा करते हुए इसमें न केवल बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हैं बल्कि इसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं जो उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे कोचिंग सुविधाओं वाले लोकप्रिय क्षेत्रों में एकत्रित एकत्रित होते हैं इन लोगों की छवि अपने घरों से दूर छोटी छोटी जगहों में रहकर परीक्षा पास करने और जो है उसे बदलने की कोशिश में दिन रात पढ़ाई करते हैं यह एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय कहानी है रेडियो डॉट कॉम की दीपा गहलोत ने विक्रांत मैसी के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा अगर विक्रांत मैसी इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीतते हैं तो यह उस अभिनेता के साथ अन्याय होगा जिसने इतने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया है टाइम्स ऑफ इंडिया के धावल रोहित ने पाँच में से चार स्टार दिए और अपनी समीक्षा में कहा कि ट्वेल्थ फेल एक उत्कृष्ट फिल्म है जिसकी अत्यधिक अनु अनुशंसा की जानती है इसके एक मिनट के लगभग हर दृश्य से आप प्रेरित और चकित महसूस करते हैं चोपड़ा को यह सुनिश्चित करने के लिए बधाई की फिल्म में प्रत्येक किरदार को उनका सर्वश्रेष्ठ मौका दिया जाए इंडिया टुडे की भावना अग्रवाल ने पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा विक्रांत महसी प्रदर्शन शीट पर शानदार प्रदर्शन के साथ उत्तीर्ण हुए द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा ट्वेल्थ असफल फिल्म समीक्षा विधु विनोद विधु विनोद चोपड़ा ने आशा की कि द हिंदू की अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा ट्वेल्थ से भी अधिक गंभीर है सी टीवी अठारह एटीन की स्नेहा बेंगानी ने फिल्म की समीक्षा करते हुए लिखा दृढ़ता की इस उल्लेखनीय कहानी के माध्यम से विक्रांत मैसी को ताकत मिलती है जी न्यूज के गुंजन डी डॉट बिंदानी ने पांच में से चार स्टार देते हुए लिखा अतिशय युक्तिपूर्ण नहीं होना चाहिए लेकिन 12 फेल बिल्कुल सही हो सकती है 12 फेल को ठीक थी, ठीक से देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके मूल में फिल्म है माननीय बुनियादी सिद्धांतों का गहरा अभाव है विनो विदु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दैनिक अध्याय ने के बोझ पेचीदा सामाजिक गतिशीलता जीविका के लिए छोटी मोटी नौकरिया और भावनाओं का कच्चा का बहाव है, है। ओनमोरमा के साजेश मोहन ने अपेक्षा समीक्षा में लिखा अपनी समीक्षा में लिखा मानव स्रोत धान पूर्वक तैयार किया गया साउंड स्केप मनोज की यात्रा के दर्द और खुशियों को बढ़ाता है जिस तरह से मानव मनोज और उसकी भावनाओं को अलग करने के लिए अंदर और बाहर पृष्ठभूमि शोर का उपयोग और पुनः उपयोग करता है भीड़ भाड़ वाले दृश्य ध्यान केंद्रित करते हैं ऐसे समय में जब हमारी फिल्मों का नैतिक दिशा निर्देशन रूलेट व्हील जैसा दिखता है यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी आती है जो सच्चाई से सार्वजनिक और निजी जीवन में ईमानदारी का जश्न मनाती है कुछ समय बाद आशा और लचीलेपन की कहानी के साथ टर्न टाइल में लौटते हुए फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने दर्शाया कि कैसे मिट्टी का एक योग्य पुत्र एक प्रजाति जो सिनेमाई परिदृश्य में लुप्त प्राप्त हो रही है गरीबी और भ्रष्टाचार पर विषय प्राप्त कर सबसे कठिन परीक्षा देती है देश लहजा थोड़ा उपदेशात्मक है और ट्रीटमेंट थोड़ा अतिरिजित है लेकिन यह एक बड़े दिल वाली फिल्म है जो मानवीय अच्छाई के संदेश के साथ आपको कसकर गले लगा लेती है चोपड़ा ने अतीत में अपनी प्रस्तुतियों मुन्ना भाई एम 2003 और थ्री इडियट्स दो के साथ इस आनंदमय भावना को सफलतापूर्वक उत्पन्न किया है और ट्वेल्थ फेल हिंदी क्षेत्र से उनके आध्यात्मिक चचेरे भाई की तरह महसूस मौसू, महसूस की करते हैं वास्तविक जीवन के चरित्र पर आधारित यहाँ चंबल का एक लड़का है जो बंदूक नहीं उठाता जब उसके पिता को उसकी ईमानदारी के लिए दंडित किया जाता है जब वो और उसका भाई आजीविका कमाने की कोशिश करते हैं तो स्थानीय विधायक उनके कदम रोक देते हैं लेकिन वह शत्रुतापूर्ण नहीं बनते इसके बजाय एक ईमानदार पुलिस अधिकारी से प्रेरणा लेते हुए मनोज कुमार शर्मा एक कलम चलाता है और आवंतिक समय में अपनी किस्मत खुद लिखता है लिखना सीखता है ताकि वह वर्ती फी सके और मानवीय न्याय दे सके धोखा देना उसका परिवेश में जीवन जीने जीने का एक तरीका है लेकिन मनोज अपने पिता और दादी से सीखी हुई नेक छवि रखता है प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करना कमजोर लोगों के लिए नहीं है चाहे वह पढ़ाई में हो या दृढ़ विश्वास में हो यह मनोज कुमार शर्मा विक्रांत महसी की कहानी को असाधारण बनाता है मध्य प्रदेश के चंबल के एक गांव का लड़का बारहवीं की परीक्षा में असफल हो जाता है क्योंकि नए डी पी एस में पदस्य दुष्यंत सिंह प्रियांशु चटर्जी शिक्षकों को छात्रों को बोराड बोर्ड परीक्षा में नकल करने से रोकता है मनोज अगले वर्ष तृतीय क्षेत्र में उत्तीर्ण होता है और शिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच जाता है उसके पास तौर पर आग पर लेकिन ऐसा करने के लिए शैक्षणिक कौशल नहीं है इतना कि उसे यह भी पता नहीं है कि यूपीएससी या आईपीएस प्रोफाइल जैसी कोई चीज होती है कहानी मनोज की है और कैसे वह अपने गुरु दोस्तों और प्रेमिका श्रद्धा जोशी के सहयोग से अपने सपने को साकार करते हुए जीवित रहने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करता है फिल्म का हर ट्रैक अपने आप में एक कहानी है मनोज की गुमराह युवास्था से लेकर जहां उसे सही गलत का पता नहीं होता उसके संघर्षों और हर बार शून्य से शुरुआत करने तक की कहानी है दर्शक खुद को मनोज की सफलता या विफलता में शामिल महसूस करता है जब वो अंतिम चरण साक्षात्कार के लिए जाता है तो तनाव पड़ जाता है मौन वीरान और परिवेशी ध्वनि आपको भी अपनी सांसें रोकने पर मजबूर कर देती है कथा आसानी से प्रभावित होती है क्योंकि यह एपीजे कलाम और बी आर आम्बेडकर जैसे दिग्गजों के अपने अनुयायी को आहान की याद दिलाती है शिक्षित हो आंदोलन करो संगठित हो फिल्म इस बात पर भी सूक्ष्मता से प्रकाश डालती है कि क्यों भ्रष्ट राजनेता चाहते हैं कि युवा मूर्ख बने रहे ताकि उन्हें दबाया जा सके और उन पर शासन किया जा सके विक्रांत से एक मांगलिक भूमिका और किरदार को बहुत ही आत्मविश्वास के साथ निभाते हैं वह हर मोड पर चरित्र के साथ न्याय करता है चाहे वह उत्तेजित हो असहाय हो या स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए दृढ़ हो प्रियांशु चटर्जी डीसीपी के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में चमकते हैं जिनकी ईमानदारी उनकी बहादुरी है एक कलाकार के रूप में उनका कौशल उस दृश्य में स्पष्ट होता है जहां वह अपने वरिष्ठ के रूप में मनोज से मिलते हैं उनकी प्रतिक्रिया एक वरिष्ठ के रूप पर प्रति सम्मान और एक युवा के सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करने के गौ, गौरव का मिश्रण है मनोज के माता पिता के रूप में गीता अग्रवाल शर्मा और हरीश खन्ना अपने सूक्ष्म अभिनय के लिए उल्लेख के पात्र हैं ट्वेल्थ फिल्म शीर्षक श्रेणी की और आवश्यक देखी जाने वाली फिल्म है जो इसके एक मिनट के लगभग हर दृश्य से आपको प्रभावित और प्रेरित करेगी चोपड़ा को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे अंक दिए गए कि उन्हें फ़िल्म के हर किरदार से सर्वश्रेष्ठ मिले विक्रांत मैसी ने करियर का एक और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया वह लुक और बॉडी लैंग्वेज को परफेक्ट बनाते हैं हालांकि उनके चेहरे का कला का कलापन कुछ ज़्यादा ही लगने लगता है लेकिन जल्द ही मैसी अपनी बेदाग एक्टिंग से आपको उस कमी को भुला देते हैं ऐसा नहीं है कि वह भूमिका को पूर्णता के साथ निभाते हैं बल्कि ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने चरित्र को अपनी आत्मा में समाहित कर लिया है सबसे बढ़कर उनकी बोली भी पूर्णतया परिपूर्ण है मेधा शंकर का किरदार काफ़ी योग्य है लेकिन यह मैसी जितना सशक्त नहीं है वह एक प्यारी और चुलबुली प्रेमिका की भूमिका बखूबी निभाती है लेकिन उसका जीवन उसकी महत्वाकांक्षाएं आदि वास्तव में कम दिखाई जाती है जिससे आपको लगता है कि वह दूसरी भूमिका निभा रही है जो कि नहीं होना चाहिए था यह तथ्य स्पष्ट था कि उनका चरित्र एक पुरुष धारा लिखा गया था क्योंकि उनके चरित्र में बमुश्किल कोई गहराई या व्यक्तित्व था वह बस पापा की परी की तरह महसूस करती थी यहाँ तक कि वह भी उसी परीक्षा को पास करने की कोशिश में उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रही थी उसकी यात्रा इतनी सहज और कठिन समय में से रहित है कि दिखाई गई है खैर इसका एकमात्र उत्तर यह है कि इस किरदार की कल्पना पुरुष दृश्य से की गई थी अनंत वी जोशी ने कथक कथल के बाद एक और दिल छू लेने वाली प्रस्तुति दी उनका अभिनय इतना वास्तविक है कि आपको यह महसूस होता है कि आप भी अपने जीवन में ऐसे किरदारों से मिल चुके हैं किरदार में सभा तरन ही भी की भावनाएं हैं जो इसे इतना प्रशंसिक बनाती है डरे हुए बेटे से लेकर ईर्ष्यालु हमवदतन होने से लेकर हार्दिक दोस्त होने तक उन्होंने सभी भावनाओं को पूर्णता के साथ प्रदर्शित किया है किरदार की कमियों के बावजूद जोशी किरदार को इतना मिलनसार बनाते हैं अंशुमान पुष्कर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बड़े पर्दे के लिए ही बने हैं वह कई OTT शो में में वास्तव अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और वह ट्वेल्थ फिल्म में फिर से एग्री यंग मैन संस्करण लेकर आया है उनकी भारी आवाज और मर्दाना शारीरिक भाषा के साथ उनका दुबला शरीर उन्हें 1970 के दशक के अमिताभ बच्चन जैसा बनाता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब हम उन्हें फिल्मों में भी बड़े किरदार में देखा देखने का शुरू कर देंगे प्रियांशु चटर्जी को बड़े पर्दे पर वापस देखना बहुत ताज़ा है उनमें हमेशा आकर्षण था और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी समीक्षता काम करती है उनका किरदार छोटा था लेकिन सही मात्रा में था अनुराग पाठक ने उपन्यास ट्वेल्व फेल पर आधारित विधु विनोद चोपड़ा का लेखन अच्छा है फिर भी बहुत पूर्ण अनुमानित है यह एक दलित व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा करने की कहानी है और इसलिए इसका ग्राफ बहुत पूर्णानुमानित है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है नायिका के लेखन के लिए महिला मानस की बहुत अधिक समझ की आवश्यकता है चोपड़ा ने इसे एक पुरुष के दृष्टिकोण से लिखा है जिससे लड़की के चरित्र को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसे सब कुछ चांदी की थाली में परोसा गया है जो आदर्श रूप से ऐसा नहीं है ऐसी कठिन परीक्षाओं के लिए पढ़ाई और तैयारी करने वाली लड़कियों भी इसी तरह के परीक्षणों कष्टों और निराशाओं से गुजरती है जिन्हें कथा में लिया जा जाना चाहिए था अंत में लड़की के चरित्र को उसके पिता के सामने खड़ा करना लड़की के चरित्र की कहानी में अन्य प्रातियों, प्रातियों को भ्रतियों को दूर नहीं करता है इसके अलावा जबकि टू थ्री लड़के परीक्षा पास करने के लिए कठिन समय का सामना कर रहे हैं केवल दो लड़कियों को दिखाया गया है दूसरी अंत भी जोशी की ऑन स्क्रीन प्रेमिका है के लिए यह केक के टुकड़े की तरह था कितना सुविधाजनक ऐसा हो सकता था कि अनुराग पाठक की किताब खुद लड़कियों के किरदारों के बारे में ज़्यादा जानकारी न देती हो लेकिन विदु विनोद चोपड़ा जैसे अनुभवी पटकथा लेखन होने के नाते उन्हें पटकथा में उन पहलुओं को जोड़ना चाहिए था ताकि इसे और ता, अधिक सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक बनाया जा सके बिंग्रांत मैसी की एक्टिंग के बाद अगर कोई चीज़ इस फिल्म में शानदार है तो वो है विदु विनोद चोपड़ा का डायरेक्शन जिस तरह से उन्होंने कहानी की कल्पना की है और इसे स्क्रीन पर लाने के तरीके से को, कोई कोई समझौता नहीं किया है वह शानदार है उन्होंने वास्तविक स्थानों पर शूटिंग की है और जिस तरह से वह स्थिति की वास्तविकता को सामने लाते हैं वह आपको अंदर तक छू जाता है शांतनु मोरत्र मोहित्रा का संगीत निश्चित रूप से फिल्म का उच्च बिंदु है उनका बैकग्राउंड स्कोर आपको ऐसा महसूस कराता है मानो आप कहानी के हलचल में बीच वही मौजूद है रंगराजन राम को शानदार सिनेमाटोग्राफी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन की जरूरत है दिल्ली के मुखर्जी नगर की गलियों में कहानी को शूट करने में कामयाब होना मन को चकित कर देने वाला है आमतौर पर आप परीक्षा के मौसम में उन गलियों में कदम नहीं रख पाएंगे और इतने बड़े कलाकारों और क्रू के साथ वहां शूटिंग करना कठिन रहा होगा और उन्होंने इसे पूर्णता के साथ हासिल किया जस कुंवर कोहली और विदु विनोद चोपड़ा का संपादन अच्छा था लेकिन वे महिलाओं की कथा के बारे में कुछ और जोड़ने की कोशिश कर सकते थे भले ही इसके लिए फिल्म की लंबाई 10 से 15 मिनट और बढ़ा दी गई हो मुझे यकीन है कि दर्शक को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी बारहवीं फेल ट्वेल्थ फेल एक दलित कहानी है जो अन्य सामान्य रास्तों पर चलती है जो आपने पहले देखे होंगे कहानी की पूर्ण अनुमेयता के बावजूद फिल्म वास्तव में जोरदार है विदु विनोद चोपड़ा का निर्देशन आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी परीक्षा के लिए बढ़ रहे उन युवा लड़के और लड़कियों के बीच में हैं इसके अलावा विक्रांत मैसी अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं चाहे आप छात्र हो या नहीं यह वास्तव में एक मार्मिक वन टाइम वॉच है यूपीएससी अभ्यर्थियों पर आधारित विधु विनोद चोपड़ा की नई फिल्म में विक्रांत महसी ने अपने करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है कभी कभी यह दलित कहानी होती है जो सही स्वर पकड़ती है और लेखन निर्देशन विधु विनोद चोपड़ा अपनी नवीनता फिल्म ट्वेल्व फेल में अपनी महारत लाते हैं अनुराग पाठक ने इस नाम के उपन्यास पर आधारित यह चंबल के मनोज कुमार शर्मा की यात्रा का वर्णन करता है जो ट्वेल्थ बारहवीं की पढ़ाई छोड़ने के बावजूद सबसे कठिन मानी जाने वाली यू परीक्षा की तैयारी के लिए निकलता है चोपड़ा इस प्रेरक और रोमांचक कहानी को अपने कैनवास के रूप में उपयोग करते हैं और इसे कई भावनाओं दर्द क्रोध विफलता जीत और सहायता और आत्मविश्वास से चित्रित करते हैं विक्रांत मैसी ने मनोज की भूमिका निभाई जिसे एक चाय की दुकान पर फिर आटा चक्की पर काम वेतन वाली नौकरी करते हुए दिखाया गया है और इस बीच उसने शौचालय भी साफ किया है बारहवीं फेल कुछ भी नहीं करता है और परिदृश्य को बच्चों और वास्तविक के रूप में प्रस्तुत करता है संभव है और यह निश्चित रूप से उन हजारों ला, और लाखों छात्रों के साथ प्रतिनिधित्व प्रतिध्वनित होगा जो साल दर साल यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसमें बैठते हैं जबकि कुछ इसे बनाते हैं अन्य पूर्ण आरंभ करते हैं और इसे एक और मौका देते हैं चोपड़ा हमें फिल्म की शुरुआत में ही यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए रिस्टार्ट हंडा के बारे में बताते हैं और फिल्म के विभिन्न चरणों में इसे सूक्ष्मता से बुनते हुए लगभग अंत तक इस पर कायम रहते हैं ट्वेल्थ फेल हमारी शिक्षा प्रणाली की खामियों पर भी प्रहार करता है जहाँ चंबल में एक स्कूल खुलेआम बच्चों को बोर्ड परीक्षा में नकल कराता है क्योंकि अगर वे बारहवीं कक्षा पास कर लेंगे तभी उन्हें कुछ नौकरियां मिल सकती है और वे अपने परिवार के लिए कमा सकते हैं एक दिन जब डीएसपी दुष्यंत एक छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका में स्कूल में पहुँचते हैं और बच्चों को नकल करने से रोकते हैं तभी मनोज को एहसास होता है कि यही वह रास्ता है जिस पर वह चलता चा, चाहता था लेकिन अगले साल डीएसपी का तबादला हो जाता है और स्कूल सामान्य प्रधान प्रथा को लागू करने के लिए वापस आ जाता है और मनोज को छोड़कर हर कोई प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है जो अपने तीसरे श्रेणी से खुश है वह यूपीएससी की कोचिंग के लिए ग्वालियर पहुंचता है परंत किस्मत उसे दिल्ली ले जाती है जहां वह खुद को एक अराजक मुखर्जी नगर इलाके के बीच में पाता है जो दस लाख छात्रों के घर में लिए प्रसिद्ध है जो इसे पाने के लिए देश के सभी हिस्से से आए हैं यूपीएससी में स्थान बारहवीं फेल में मनोज अपनी प्रेमिका श्रद्धा जोशी के साथ इस यात्रा दैनिक बाधाओं को कैसे पार करते हैं इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है मैसी ने शानदार प्रदर्शन किया जो उनके अब तक के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है हर कदम पर वह अपने किरदार में अनगिनत शेड्स लेकर आते हैं स्कूल में एक किशोर के रूप में वह इस तथ्य से बेखबर है कि नकल करना अनैतिक है एक संघर्ष यूपीएससी छात्र के रूप में वह धैर्य और संकल्प से भरे हुए है और यह सुनिश्चित करते हैं करते हैं कि लिए कि उनके पास अध्ययन करने और जीवित रहने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए पर्याप्त समय है हर रात तीन घंटे सोने से कोई गुरेज नहीं है मैसी मनोज के किरदार को उन सभी पहलुओं में अपनाया है जिनकी आप उम्मीद कर सकते हैं और किसी भी शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हुए इसे तीस अब तक निभाते हैं ट्वेल्थ फिल्म दो हज़ार तेईस की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण और लेखन विदु विनोद चोपड़ा ने किया है यह मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में अनुराग पाठक की 2019 हजार उन्नीस की अनामगैर काल्पनिक किताब पर आधारित है जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया फिल्म में विक्रांत महसी मुख्य भूमिका में है उनके साथ मेधा शंकर अनंत भी जोशी अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी है सताईस अक्टूबर दो को नाटक रूप से रिलीज हुई ट्वेल्थ फेल को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक स्लीपर हिट के रूप में उभरी जिसने 20 करोड़ के बजट पर दुनिया भर में 66 करोड़ से अधिक की कमाई की सिक्सटी नाइनवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए दोस्तों बात करें फिल्म की कथानक के बारे में तो दासु प्रभावित चंबल में जन्मे मनोज कुमार शर्मा एक क्लर्क के बेटे हैं उनके पिता एक ईमानदार व्यक्ति को व्यक्ति हैं को एक भ्रष्ट अधिकारी को पीटने के कारण निलंबित कर दिया गया है अपने सभी बैचमेट्स की तरह मनोज भी बारहवीं कक्षा की परीक्षा के लिए नकल की पढ़िया पर्चिया तैयार करते हैं हालांकि एक नौ स्थानांतरित पुलिस अधिकारी डीएसपी एस सिंह स्कूल में नकल करना बंद कर देते हैं परिणामस्वरूप मनोज सहित सभी छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं इस बीच उसके पिता उसके निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती देने जाते हैं मनोज और उनके भाई ने घर में मदद करने के लिए ट्रैवलिंग रिक्शा चलाने का फैसला किया। मनोज के भाई पर विधायक के स्थानीय गुर्गों को मारने का झूठा आरोप लगाया गया है क्योंकि उसने अपने यात्रियों को बस में यात्रा कराने की कोशिश की थी जिसके लिए पुलिस अधिकारी उसे फंसाते हैं। हालांकि मनोज डीएसपी दुष्यंत की मदद के से अपने भाई को बचा लेता है जो मनोज को उसके जैसा अधिकारी बनने के लिए धोखाधड़ी बंद करने की सलाह देता है एक साल बाद मनोज ने बिना नकल की अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और डीएसपी बनने के लिए बीए की पढ़ाई की जब वह ग्लायर में पढ़ाई के लिए निकलता है तो उसकी दादी ने उसे अपनी सारी बचत दे दी लेकिन रास्ते में उसका सारा सामान खो गया तब उन्हें पता चला कि सरकार ने एम की ग्रुप परीक्षाओं को अगले तीन वर्षों के लिए रोकने का फैसला किया है इससे उनका डीएसपी बनने का सपना टूट गया वह तब तक सड़कों पर घूमता रहता है जब तक कि वह बेहोश न हो जाए लेकिन स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास एक स्थानीय होटल मालिक के उसे खाना खिलाता है वहां उसकी मुलाकात प्रतिम पांडे से होती है जो पीएससी परीक्षा के लिए पढ़ाई करने आया था पांडे ने पिता ने उन्हें फोन किया और दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहा मनोज यूपीएससी के बारे में सीखता है और पढ़ाई करने और आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है पास होने के अपने आखिरी प्रयास में उसकी मुलाकात एक साथी प्रतियोगी गौरी भैया से होता है जो मनोज को काम और पढ़ाई के लिए जगह मुहैया कराते हैं गौरी भैया अपने अंतिम प्रयास को पास करने में असमर्थ हैं और एक कोचिंग संस्थान खोलते हैं अपने पहले प्रयास में मनोज प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो जाता है लेकिन गौरी की मदद से वह फिर से परीक्षा देता है और अगले वर्ष इसे पास करने में सफल होता है एक कोचिंग सेंटर की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात यू के पी एस सी की अभ्यर्थी श्रद्धा जोशी से होती है और उससे प्यार हो जाता है वह उसे एक एयरनाटिकल इंजीनियरिंग मानती है और वह यह स्पष्ट नहीं करता है कि वह एक साहित्य स्नातक है कड़ी मेहनत के बावजूद मनोज इस वर्ष अपनी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे जब श्रद्धा को उसके धोखा के बारे में पता चलता है तो उसके साथ उसके रिश्ते में भी खटास आ जाती है निराश होकर मनोज श्रद्धा से माफी मांगने और अपने प्यार का इजहार करने के लिए मासुरी जाता है वह उसे दिल्ली लौटकर तैयार जारी रखने की सलाह देती है इसके बजाय मनोज अपने घर जाता है और पाता है कि उसकी दादी का निधन हो गया है वो परीक्षा उत्तीर्ण करने का निश्चय करके दिल्ली लौटता है निराश होकर गौरी मनोज को अपने घर ले जाती है और उससे कहती है कि वह छोटी मोटी नौकरियां छोड़ दे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें वह अंतत मुख्य परीक्षाओं में असफल हो जाता है जबकि श्रद्धा डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए यू UK, की यूके परीक्षाओं में भी सफल हो जाती है इस बीच प्रीतम जो अपनी परीक्षा में असफल हो गया अफवाह फैलाता है कि श्रद्धा मनोज के साथ सो रही है मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाते हैं लेकिन उन्हें एहसास होता है कि प्रीतम वास्तव में एक रिपोर्टर बनना चाहते थे लेकिन उनके पिता ने उन पर यू यू करने के लिए दबाव डाला मनोज ने प्रीतम को अपने पिता के सामने खड़े होने की सलाह दी इंटरव्यू राउड के दौरान मनोज हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देते हैं उसे धारा लिखा गया एक पत्र भी मिलता है जिसमें उससे शादी करने के लिए कहा गया है दो महीने बाद परिणाम घोषित किए गए और मनोज ने आईपीएस अधिकारी बनने के लिए रैंक हासिल कर ली एक साल बाद मनोज जो अब एक आईपीएस अधिकारी है मंदसौर के पुलिस स्टेशन में डीएसपी एस दुष्यंत सिंह से मिलता है और उसे प्रोत्साहित करने के लिए डीएसपी को धन्यवाद देता है मनोज ने श्रद्धा से शादी कर ली और प्रीतम ने एक समाचार रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया विक्रांत मैसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में मेधा शंकर श्रद्धा जोशी के रूप में अनंत वी जोशी प्रीतम पांडे के रूप में गौरी भैया के रूप में अंशुमान पुष्कर डीएसपी एस दुष्यंत सिंह के रूप में प्रियांशु चटर्जी गीता अग्रवाल शर्मा पुष्पा शर्मा मनोज की मां के रूप में मनोज के पिता रामवीर शर्मा के रूप में हरीश खन्ना मनोज की दादी के रूप में सरिता जोशी नवल के रूप में संजय बिशोई विकास दिव्य कीर्ति सोय के रूप में सुंदर के रूप में विजय कुमार डोगरा मनोज की छोटी बहन रजनी शर्मा के रूप में पेरी छबड़ा श्रद्धा के पिता के रूप में नीरज कालरा श्री सोलंकी के रूप में डेरियस चिन्नाय तानिया के रूप में राधिका जोशी फसी खान किशन के रूप में श्रद्धा के घर का नौकर श्री मेहता मनोज के यूपीएससी साक्षात्कार के रूप में राहुल देव सिट्टी नवंबर दो में फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल पर आधारित फिल्म की घोषणा की यह फिल्म आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आर अधिकारी श्रद्धा जोशी की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है नवंबर 2022 में चोपड़ा ने घोषित की कि अभिनेता विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका निभाएंगे जो उनके पहले सहयोग को चिन्हित करेगा यूपीएससी कोच विकास दिव्य कीर्ति को स्क्रीन पर खुद की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था कई वास्तविक जीवन के यूपीएससी उम्मीदवारों को विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया मैसी के अनुसार इसने फिल्म में प्रामिकर्ता जोर दी शर्मा और जोशी दोनों ने फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई फिल्म की शूटिंग मुख्य भूमिका मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दो शिक्षा केंद्रों राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया था फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ ट्वेल्थ फेल का टीजर 10 अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था जबकि इसका ट्रेलर 3 अक्टूबर दो को रिलीज़ किया गया था फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी हिंदी में सफलता के बाद निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को तमिल तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में डब किया जाएगा और तीन नवम्बर दो को रिलीज़ किया जाएगा फिल्म की स्ट्रीमिंग 29 दिसंबर दो से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर शुरू हुई फिल्म का संगीत शांतनु मोइत्रा ने तैयार किया है जबकि गीत स्वानंद किरकिरे और रफ्तार ने लिखे हैं सितार और वासुरी के उपयोग के साथ मायत्रा धारा फिल्म का पृष्ठभूमि स्कोर बंगाली फिल्म पाथेरा पांच साल उन्नीस सौ में पंडित रविशंकर के स्कोर से प्रेरित था ट्वेल्थ फेल को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट roten tomatoes पर 10 आलोचकों में से 90% समीक्षा सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 6.8 है एनडीटीवी के शैव चटर्जी ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए और कहा यह एक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी के जीवन का एक मूल चित्रण है 12th फेल एक विचारोत्तेजक और मनोरंजक फिल्म है धारा एक वास्तविक से में कहानी तैयार की जाती है यह आदमी की यात्रा के उतार चढ़ाव से नाटक के हर आखिरी हिस्से को निकालने के लिए किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से परहेज करता है मिड डे के मयंक शेखर ने पांच में से चार स्टार दिए और फिल्म दिस इज द इंडियन स्टोरी की समीक्षा की हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल को क्रेजा ने अपनी समीक्षा में कहा कि ट्वेल्थ फेल न केवल यूपीएससी के छात्रों की कठिनाइयों और भावनाओं को समझने के लिए आवश्यक देखी जानी चाहिए बल्कि यह हमारे सिस्टम में समग्र शिक्षा पर भी प्रकाश डालती है कुछ ऐसा जो चोपड़ा ने थ्री इडियट्स दो से दिल जीता द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा कि साउंड ट्रैक और मूड में छिटफुट उतार चढ़ाव के बावजूद ट्वेल्थ फेल ज्यादातर एक जमीनी हकीकत वाली फिल्म है जिसमें ऐसे पात्र हैं जो सड़क से भटक गए हैं और साथ घूम रहे हैं हमें प्रेरणा से भरपूर जीवन के सबसे सबक साझा करते हुए इसमें न केवल बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हैं बल्कि इसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं जो उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे कोचिंग सुविधाओं वाले लोकप्रिय क्षेत्रों में एकत्रित एकत्रित होते हैं इन लोगों की छवि अपने घरों से दूर छोटी छोटी जगहों में रहकर परीक्षा पास करने और जो है उसे बदलने की कोशिश में दिन रात पढ़ाई करते हैं यह एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय कहानी है रेडियो डॉट कॉम की दीपा गहलोत ने विक्रांत मैसी के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा अगर विक्रांत मैसी इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीतते हैं तो यह उस अभिनेता के साथ अन्याय होगा जिसने इतने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया है टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रोहित ने पाँच में से चार स्टार दिए और अपनी समीक्षा में कहा कि ट्वेल्थ फेल एक उत्कृष्ट फिल्म है जिसकी अत्यधिक अनुशा अनुशंसा की जानती है इसके एक मिनट के लगभग हर दृश्य से आप प्रेरित और चकित महसूस करते हैं चोपड़ा को यह सुनिश्चित करने के लिए बधाई की फिल्म में प्रत्येक किरदार को उनका सर्वश्रेष्ठ मौका दिया जाए इंडिया टुडे की भावना अग्रवाल ने पांच में से चार स्टार दिए और लिखा विक्रांत मैसी प्रदर्शन शीट पर शानदार प्रदर्शन के साथ उत्तीर्ण हुए द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा ट्वेल्थ और सफल फिल्म समीक्षा विधु विनोद विधु विनोद चोपड़ा ने आशा की कि द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा ट्वेल्थ फेल असल फिल्म समीक्षा विद विनोद चोपड़ा ने आशा की एक और झप्पी दी जो जादुई से भी अधिक गंभीर है सीएनबीसी टीवी अठारह एटीन की स्नेहा बैंगानी ने फिल्म की समीक्षा करते हुए लिखा दृढ़ता की इस उल्लेखनीय कहानी के माध्यम से विक्रांत मैसी को ताकत मिलती है जी न्यूज़ के गुंजन डी बिन्दानी ने पांच में से 4 स्टार देते हुए लिखा अतिशय युक्तिपूर्ण नहीं होना चाहिए लेकिन 12 फेल बिल्कुल सही हो सकती है 12 फेल को ठीक थी, ठीक से देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके मूल में फिल्म है माननीय बुनियादी सिद्धांतों का गहरा अभाव है विदो विदु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दैनिक अध्याय ने के बोझ पेचीदा सामाजिक गतिशीलता जीविका के लिए छोटी मोटी नौकरियां और भावनाओं का कच्चा का बहान है बहाव है ओनमोरमा के साजेश मोहन ने अपेक्षक समीक्षा में लिखा अपनी समीक्षा में लिखा मानव स्रोतिय धान पूर्वक तैयार किया गया साउंड स्केप मनोज की यात्रा के दर्द और खुशियों को बढ़ाता है जिस तरह से मानव मनोज और उसकी भावनाओं को अलग करने के लिए अंदर और बाहर पृष्ठभूमि शोर का उपयोग और उपयोग करता है भीड़ भाड़ वाले दृश्य ध्यान केंद्रित करते हैं ऐसे समय में जब हमारी फिल्मों का नैतिक दिशा निर्देशन रूलेट व्हील जैसा दिखता है यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी आती है जो सच्चाई से सार्वजनिक और निजी जीवन में ईमानदारी का जश्न मनाती है कुछ समय बाद आशा और लचीलेपन की कहानी के साथ टर्न टाइल में लौटते हुए फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने दर्शाया कि कैसे मिट्टी का एक योग्य पुत्र एक प्रजाति जो सिनेमाई परिदृश्य में लुप्त प्राप्त हो रही है गरीबी और भ्रष्टाचार पर विषय प्राप्त कर सबसे कठिन परीक्षा देती है देश लहजा थोड़ा उपदेशात्मक है और ट्रीटमेंट थोड़ा अतिरिजित है लेकिन यह एक बड़े दिल वाली फिल्म है जो मानवीय अच्छाई के संदेश के साथ आपको कसकर गले लगा लेती है चोपड़ा ने अतीत में अपनी प्रस्तुतियों मुन्ना भाई एम बी बी एस दो हज़ार तीन और थ्री इडियट्स दो हज़ार नौ के साथ इस आनंदमय भावना को सफलतापूर्वक उत्पन्न किया है और ट्वेल्थ फेल हिंदी क्षेत्र से उनके आध्यात्मिक चचेरे भाई की तरह मौसू महसूस की करते हैं वास्तविक जीवन के चरित्र पर आधारित यह चंबल का एक लड़का है जो बंदूक नहीं उठाता जब उसके पिता को उसकी ईमानदारी के लिए दंडित किया जाता है जब वह और उसका भाई आजीविका कमाने की कोशिश करते हैं तो स्थानीय विधायक उनके कदम रोक देते हैं लेकिन वह शत्रुतापूर्ण नहीं बनते इसके बजाय एक ईमानदार पुलिस अधिकारी से प्रेरणा लेते हुए मनोज कुमार शर्मा एक कलम चलाता है और आवंतिक समय में अपनी किस्मत खुद लिखता है लिखना सीखता है ताकि वह वर्ती फी पहुँच सके और मानवीय न्याय दे सके धोखा देना उसका परिवेश में जीवन जीने जीने का एक तरीका है लेकिन मनोज अपने पिता और दादी से सीखी हुई नेक छवि रखता है प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करना कमजोर लोगों के लिए नहीं है चाहे वह पढ़ाई में हो या दृढ़ विश्वास में हो यह मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मैसी की कहानी को असाधारण बनाता है मध्य प्रदेश के चंबल के एक गांव का लड़का बारहवीं की परीक्षा में असफल हो जाता है क्योंकि नए डी पी एस में पदस्य दुष्यंत सिंह प्रियांशु चटर्जी शिक्षकों को छात्रों को बोराड बोर्ड परीक्षा में नकल करने से रोकता है मनोज अगले वर्ष तृतीय क्षेत्र में उत्तीर्ण होता है और सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच जाता है उसके पास तौर पर आग पर लेकिन ऐसा करने के लिए शैक्षणिक कौशल नहीं है इतना कि उसे यह भी पता नहीं है कि यूपीएससी या आईपीएस प्रोफाइल जैसी कोई चीज होती है कहानी मनोज की है और कैसे वह अपने गुरु दोस्तों और प्रेमिका श्रद्धा जोशी के सहयोग से अपने सपने को साकार करते हुए जीवित रहने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करता है फिल्म का हर ट्रैक अपने आप में एक कहानी है मनोज की गुमराह युवास्था से लेकर जहां उसे सही गलत का पता नहीं होता उसके संघर्षों और हर बार शून्य से शुरुआत करने तक की कहानी है दर्शक खुद को मनोज की सफलता या विफलता में शामिल महसूस करता है जब वह अंतिम चरण साक्षात्कार के लिए जाता है तो तनाव पड़ जाता है मौन वीरान और परिवेशी ध्वनि आपको भी अपनी सांसें रोकने पर मजबूर कर देती है कथा आसानी से प्रभावित होती है क्योंकि यह ए पी जे कलाम और बी आर आम्बेडकर जैसे दिग्गजों के अपने अनुयायी को आहान की याद दिलाती है शिक्षित हो आंदोलन करो संगठित हो फिल्म इस बात पर भी सूक्ष्मता से प्रकाश डालती है कि क्यों भ्रष्ट राजनेता चाहते हैं कि युवा मूर्ख बने रहें ताकि उन्हें दबाया जा सके और उन पर शासन किया जा सके विक्रांत में से एक मांगली भूमिका और किरदार को बहुत ही आत्मविश्वास के साथ निभाते हैं वह हर मोड पर चरित्र के साथ न्याय करता है चाहे वह उत्तेजित हो असहाय हो या स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए दृढ़ हो प्रियांशु चटर्जी डीसीपी के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में चमकते हैं जिनकी ईमानदारी उनकी बहादुरी है एक कलाकार के रूप में उनका कौशल उस दृश्य में स्पष्ट होता है जहां वह अपने वरिष्ठ के रूप में से मिलते हैं उनकी प्रतिक्रिया एक वरिष्ठ के रूप पर प्रति सम्मान और एक युवा के सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करने के गौ, गौरव का मिश्रण है मनोज के माता पिता के रूप में गीता अग्रवाल शर्मा और हरीश खन्ना अपने सूक्ष्म अभिनय के लिए उल्लेख के पात्र हैं ट्वेल्थ फिल्म शीर्षक श्रेणी की और आवश्यक देखी जाने वाली फिल्म है जो इसके एक से से मिनट के लगभग हर दृश्य से आपको प्रभावित और प्रेरित करेगी चोपड़ा को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे अंक दिए गए कि उन्हें फ़िल्म के हर किरदार से सर्वश्रेष्ठ मिले विक्रांत मैसी ने करियर का एक और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया वह लुक और बॉडी लैंग्वेज को परफेक्ट बनाते हैं हालांकि उनके चेहरे का कला का कलापन कुछ ज़्यादा ही लगने लगता है लेकिन जल्द ही मैसी अपनी बेदाग एक्टिंग से आपको उस कमी को भुला देते हैं ऐसा नहीं है कि वह भूमिका को पूर्णता के साथ निभाते हैं बल्कि ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने चरित्र को अपनी आत्मा में समाहित कर लिया है सबसे बढ़कर उनकी बोली भी पूर्णतया परिपूर्ण है मेधा शंकर का किरदार काफी योग्य है लेकिन यह मैसी जितना सशक्त नहीं है वह एक प्यारी और चुलबुली प्रेमिका की भूमिका बखूबी निभाती है लेकिन उसका जीवन उसकी महत्वाकांक्षाएं आदि वास्तव में कम दिखाई जाती है जिससे आपको लगता है कि वह दूसरी भूमिका निभा रही है जो कि नहीं होना चाहिए था यह तथ्य स्पष्ट था कि उनका चरित्र एक पुरुष धारा लिखा गया था क्योंकि उनके चरित्र में बमुश्किल कोई गहराई या व्यक्तित्व था वह बस पापा की परी की तरह महसूस करती थी यहाँ तक कि वह भी उसी परीक्षा को पास करने की कोशिश में उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रही थी उसकी यात्रा इतनी सहज और कठिन समय में से रहित है कि दिखाई गई है खैर इसका एकमात्र उत्तर यह है कि इस किरदार की कल्पना पुरुष दृश्य से की गई थी अनंत वी जोशी ने कथक कथल के बाद एक और दिल छू लेने वाली प्रस्तुति दी उनका अभिनय इतना वास्तविक है कि आपको यह महसूस होता है कि आप भी अपने जीवन में ऐसे किरदारों से मिल चुके हैं किरदार में शरण ही भी की भावनाएं हैं जो इसे इतना प्रशंसिक बनाती है डरे हुए बेटे से लेकर ईर्ष्यालु हमवदतन होने से लेकर हार्दिक दोस्त होने तक उन्होंने सभी भावनाओं को पूर्णता के साथ प्रदर्शित किया है किरदार की कमियों के बावजूद जोशी किरदार को इतना मिलनसार बनाते हैं अंशुमान पुष्कर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बड़े पर्दे के लिए ही बने हैं वह कई ओटीटी शो में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और वह 12 फिल्म में फिर से एग्री यंग मैन संस्करण लेकर आया है उनकी भारी आवाज और मर्दाना शारीरिक भाषा के साथ उनका दुबला शरीर उन्हें 1970 के दशक के अमिताभ बच्चन जैसा बनाता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब हम उन्हें फिल्मों में भी बड़े किरदार में देखा देखने का शुरू कर देंगे प्रियांशु चटर्जी को बड़े पर्दे पर वापस देखना बहुत ताज़ा है उनमें हमेशा आकर्षण था और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी समीक्षता काम करती है उनका किरदार छोटा था लेकिन सही मात्रा में था अनुराग पाठक ने उपन्यास ट्वेल्व फेल पर आधारित विधु विनोद चोपड़ा का लेखन अच्छा है फिर भी बहुत पूर्ण अनुमानित है यह एक दलित व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा करने की कहानी है और इसलिए इसका ग्राफ बहुत पूर्णानुमानित है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है नायिका के लेखन के लिए महिला मानस की बहुत अधिक समझ की आवश्यकता है चोपड़ा ने इसे एक पुरुष के दृष्टिकोण से लिखा है जिससे लड़की के चरित्र को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसे सब कुछ चांदी की थाली में परोसा गया है जो आदर्श रूप से ऐसा नहीं है ऐसी कठिन परीक्षाओं के लिए पढ़ाई और तैयारी करने वाली लड़कियों भी इसी तरह के परीक्षणों कष्टों और निराशाओं से गुजरती है जिन्हें कथा में लिया जाना चाहिए था अंत में लड़की के चरित्र को उसके पिता के सामने खड़ा करना लड़की के चरित्र की कहानी में अन्य प्रातियों, प्रातियों को भ्रातियों को दूर नहीं करता है इसके अलावा जबकि टू थ्री लड़के परीक्षा पास करने के लिए कठिन समय का सामना कर रहे हैं केवल दो लड़कियों को दिखाया गया है दूसरी अंत भी जोशी की ऑन स्क्रीन प्रेमिका है के लिए यह केक के टुकड़े की तरह था कितना सुविधाजनक ऐसा हो सकता था कि अनुराग पाठक की किताब खुद लड़कियों के किरदारों के बारे में ज़्यादा जानकारी न देती हो लेकिन विदु विनोद चोपड़ा जैसे अनुभवी पटकथा लेखन होने के नाते उन्हें पटकथा में उन पहलुओं को जोड़ना चाहिए था ताकि इसे और ता, अधिक सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक बनाया जा सके बिग्रांत मैसी की एक्टिंग के बाद अगर कोई चीज़ इस फिल्म में शानदार है तो वो है विदु विनोद चोपड़ा का डायरेक्शन जिस तरह से उन्होंने कहानी की कल्पना की है और इसे स्क्रीन पर लाने के तरीके से को, कोई कोई समझौता नहीं किया है वह शानदार है उन्होंने वास्तविक स्थानों पर शूटिंग की है और जिस तरह से वह स्थिति की वास्तविकता को सामने लाते हैं वह आपको अंदर तक छू जाता है शांतनु का संगीत निश्चित रूप से फिल्म का उच्च बिंदु है उनका बैकग्राउंड स्कोर आपको ऐसा महसूस कराता है मानो आप कहानी की हलचल में बीच वही मौजूद है रंगराजन राम को शानदार सिनेमाटोग्राफी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन की जरूरत है दिल्ली के मुखर्जी नगर की गलियों में कहानी को शूट करने में कामयाब होना मन को चकित कर देने वाला है आमतौर पर आप परीक्षा के मौसम में उन गलियों में कदम नहीं रख पाएंगे और इतने बड़े कलाकारों और क्रू के साथ वहां शूटिंग करना कठिन रहा होगा और उन्होंने इसे पूर्णता के साथ हासिल किया जस कुंवर कोहली और विदु विनोद चोपड़ा का संपादन अच्छा था लेकिन वे महिलाओं की कथा के बारे में कुछ और जोड़ने की कोशिश कर सकते थे भले ही इसके लिए फिल्म की लंबाई 10 से 15 मिनट और बढ़ा दी गई हो मुझे यकीन है कि दर्शक को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी बारहवीं फेल ट्वेल्थ फेल एक दलित कहानी है जो अन्य सामान्य रास्तों पर चलती है जो आपने पहले देखे होंगे कहानी की पूर्ण अनुमयता के बावजूद फिल्म वास्तव में जोरदार है विदु विनोद चोपड़ा का निर्देशन आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी परीक्षा के लिए बढ़ रहे उन युवा लड़के और लड़कियों के बीच में हैं इसके अलावा विक्रांत मैसी अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं चाहे आप छात्र हो या नहीं यह वास्तव में एक मार्मिक वन टाइम वॉच है यूपीएससी अभ्यर्थियों पर आधारित विधु विनोद चोपड़ा की नई फिल्म में विक्रांत महसी ने अपने करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है कभी कभी यह दलित कहानी होती है जो सही स्वर पकड़ती है और लेखन निर्देशन विधु विनोद चोपड़ा अपनी नवीनता फिल्म ट्वेल्व फेल में अपनी महारत लाते हैं अनुराग पाठक ने इस नाम के उपन्यास पर आधारित चंबल के मनोज कुमार शर्मा की यात्रा का वर्णन करता है जो ट्वेल्थ बारहवीं की पढ़ाई छोड़ने के बावजूद सबसे कठिन मानी जाने वाली यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए निकलता है चोपड़ा इस प्रेरक और रोमांचक कहानी को अपने कैनवास के रूप में उपयोग करते हैं और इसे कई भावनाओं दर्द क्रोध विफलता जीत असहायता और, और आत्मविश्वास से चित्रित करते हैं विक्रांत मैसी ने मनोज की भूमिका निभाई जिसे एक चाय की दुकान पर फिर आटा चक्की पर काम वेतन वाली नौकरी करते हुए दिखाया गया है और इस बीच उसने शौचालय भी साफ किया है बारहवीं फेल कुछ भी नहीं करता है और परिदृश्य को बच्चों और वास्तविक के रूप में प्रस्तुत करता है संभव है और या निश्चित रूप से उन हजारों ला, और लाखों छात्रों के साथ थे होगा जो साल दर साल दर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसमें बैठते हैं जबकि कुछ इसे बनाते हैं अन्य पूर्ण आरंभ करते हैं और इसे एक और मौका देते हैं चोपड़ा हमें फिल्म की शुरुआत में ही यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए रिस्टार्ट फंडा के बारे में बताते हैं और फिल्म के विभिन्न चरणों में इसे सूक्ष्मता से बुनते हुए लगभग अंत तक इस पर कायम रहते हैं ट्वेल्थ फेल हमारी शिक्षा प्रणाली की खामियों पर भी प्रहार करता है जहाँ चंबल में एक स्कूल खुलेआम बच्चों को बोर्ड परीक्षा में नकल कराता है क्योंकि अगर वे बारहवीं कक्षा पास कर लेंगे तभी उन्हें कुछ नौकरियां मिल सकती है और वे अपने परिवार के लिए कमा सकते हैं एक दिन जब डीएसपी दुष्यंत एक छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका में स्कूल में पहुँचते हैं और बच्चों को नकल करने से रोकते हैं तभी मनोज को एहसास होता है कि यही वह रास्ता है जिस पर वह चलता चा, चाहता था लेकिन अगले साल डीएसपी का तबादला हो जाता है और इसको सामान्य प्रधान प्रथा को लागू करने के लिए वापस आ जाता है और मनोज को छोड़कर हर कोई प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है जो अपने तीसरे श्रेणी से खुश है वह यूपीएससी की कोचिंग के लिए ग्वालियर पहुंचता है और किस्मत उसे दिल्ली ले जाती है जहां वह खुद को एक अराजक मुखर्जी नगर इलाके के बीच में पाता है जो दस लाख छात्रों के घर में लिए प्रसिद्ध है जो इसे पाने के लिए देश के सभी हिस्से से आए हैं यूपीएससी में स्थान बारहवीं फेल में मनोज अपनी प्रेमिका श्रद्धा जोशी के साथ इस यात्रा दैनिक बाधाओं को कैसे पार करते हैं इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है मैसी ने शानदार प्रदर्शन किया जो उनके अब तक के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है हर कदम पर वह अपने किरदार में अनगिनत शेड्स लेकर आते हैं स्कूल में एक किशोर के रूप में वह इस तथ्य से बेखबर है कि नकल करना अनैतिक है एक संघर्षलीय यूपीएससी छात्र के रूप में वह धैर्य और दृढ़ संकल्प से भरे हुए है और सुनिश्चित करते हैं करते हैं के लिए कि उनके पास अध्ययन करने और जीवित रहने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए पर्याप्त समय है हर रात तीन घंटे सोने से कोई गुरेज नहीं है मैसी मनोज के किरदार को उन सभी पहलुओं में अपनाया है जिनकी आप उम्मीद कर सकते हैं और किसी भी शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हुए इसे टी अब तक निभाते हैं सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को नाट्य रूप से रिलीज हुई ट्वेल्थ फेल को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक स्लीपर हिट के रूप में उभरी जिसने 20 करोड़ के बजट पर दुनिया भर में छियासठ करोड़ से अधिक की कमाई की सिक्सटी नाइन फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित बारह नामांकन प्राप्त हुए दोस्तों बात करें फिल्म की कथानक के बारे में तो दयाशु प्रभावित चंबल में जन्मे मनोज कुमार शर्मा एक क्लर्क के बेटे हैं उनके पिता एक ईमानदार व्यक्ति को व्यक्ति हैं को एक भ्रष्ट अधिकारी को पीटने के कारण निलंबित कर दिया गया है अपने सभी बैचमेट्स की तरह मनोज भी बारहवीं कक्षा की परीक्षा के लिए नकल की पढ़िया पर्चिया तैयार करते हैं हालांकि एक नौ स्थानांतरित पुलिस अधिकारी डीएसपी एस सिंह स्कूल में नकल करना बंद कर देते हैं परिणामस्वरूप मनोज सहित सभी छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं इस बीच उसके पिता उसके निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती देने जाते हैं मनोज और उनके भाई ने घर में मदद करने के लिए ट्रैवलिंग रिक्शा चलाने का फैसला किया। मनोज के भाई पर विधायक के स्थानीय गुर्गों को मारने का झूठा आरोप लगाया गया है क्योंकि उसने अपने यात्रियों को बस में यात्रा कराने की कोशिश की थी, जिसके लिए पुलिस अधिकारी उसे फंसाते हैं। हालांकि मनोज डीएसपी एस दुष्यंत की मदद के से अपने भाई को बचा लेता है जो मनोज को उसके जैसा अधिकारी बनने के लिए धोखाधड़ी बंद करने की सलाह देता है एक साल बाद मनोज ने बिना नकल की अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और डीएसपी बनने के लिए बीए की पढ़ाई की जब वह ग्लायर में पढ़ाई के लिए निकलता है तो उसकी दादी ने उसे अपनी सारी बचत दे दी लेकिन रास्ते में उसका सारा सामान खो गया तब उन्हें पता चला कि सरकार ने एम की ग्रुप परीक्षाओं को अगले तीन वर्षों के लिए रोकने का फैसला किया है इससे उनका डीएसपी बनने का सपना टूट गया वह तब तक सड़कों पर घूमता रहता है जब तक कि वह बेहोश न हो जाए लेकिन स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास एक स्थानीय होटल मालिक उसे खाना खिलाता है वहां उसकी मुलाकात प्रतिम पांडे से होती है जो पीएससी परीक्षा के लिए पढ़ाई करने आया था पांडे ने पिता ने उन्हें फोन किया और दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहा मनोज यूपीएससी के बारे में सीखता है और पढ़ाई करने और आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है पास होने के अपने आखिरी प्रयास में उसकी मुलाकात एक साथी प्रतियोगी गौरी भैया से होता है जो मनोज को काम और पढ़ाई के लिए जगह मुहैया कराते हैं गौरी भैया अपने अंतिम प्रयास को पास करने में असमर्थ हैं और एक कोचिंग संस्थान खोलते हैं अपने पहले प्रयास में मनोज प्रारंभिक की परीक्षा में असफल हो जाता है लेकिन गौरी की मदद से वह फिर से परीक्षा देता है और अगले वर्ष इसे पास करने में सफल होता है एक कोचिंग सेंटर की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात यू के पी एस सी की अभ्यार्थी श्रद्धा जोशी से होती है और उससे प्यार हो जाता है वह उसे एक एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग मानती है और वह यह स्पष्ट नहीं करता है कि वह एक साहित्य स्नातक है बड़ी मेहनत के बावजूद मनोज वर्ष अपनी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे जब श्रद्धा को उसके धोखा के बारे में पता चलता है तो उसके साथ उसके रिश्ते में भी खटास आ जाती है निराश होकर मनोज श्रद्धा से माफी मांगने और अपने प्यार का इजहार करने के लिए मसूरी जाता है वह उसे दिल्ली लौटकर तैयार जारी रखने की सलाह देती है इसके बजाय मनोज अपने घर जाता है और पाता है कि उसकी दादी का निधन हो गया है वो परीक्षा उत्तीर्ण करने का निश्चय करके दिल्ली लौटता है निराश होकर गौरी मनोज को अपने घर ले जाती है और उससे कहती है कि वह छोटी मोटी नौकरियां छोड़ दे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे, वह अंतत मुख्य परीक्षाओं में असफल हो जाता है जबकि श्रद्धा डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए यू UK, की यूके पी परीक्षाओं में भी सफल हो जाती है इस बीच प्रीतम और जो अपनी परीक्षा में असफल हो गया अफवाह फैलाता है कि श्रद्धा मनोज के साथ सो रही है मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाते हैं लेकिन उन्हें एहसास होता है कि प्रीतम वास्तव में एक रिपोर्टर बनना चाहते थे लेकिन उनके पिता ने उन पर यू, यू करने के लिए दबाव डाला मनोज ने प्रीतम को अपने पिता के सामने खड़े होने की सलाह दी इंटरव्यू राउंड के दौरान मनोज हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देते हैं उसे श्रद्धाधारा लिखा गया एक पत्र भी मिलता है जिसमें उससे शादी करने के लिए कहा गया है दो महीने बाद परिणाम घोषित किए गए और मनोज ने आईपीएस अधिकारी बनने के लिए रैंक हासिल कर ली एक साल बाद मनोज जो अब एक आईपीएस अधिकारी है मंदसौर के पुलिस स्टेशन में डीएसपी दुष्यंत सिंह से मिलता है और उसे प्रोत्साहित करने के लिए डीएसपी को धन्यवाद देता है मनोज ने श्रद्धा से शादी कर ली और प्रीतम ने एक समाचार रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया विक्रांत मैसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में मेधा शंकर श्रद्धा जोशी के रूप में अनंत वी जोशी प्रीतम पांडे के रूप में गौरी भैया के रूप में अंशुमान पुष्कर डीएसपी दुष्यंत सिंह के रूप में प्रियांशु चटर्जी गीता अग्रवाल शर्मा पुष्पा शर्मा मनोज की मां के रूप में मनोज के पिता रामवीर शर्मा के रूप में हरीश खन्ना मनोज की दादी के रूप में सरिता जोशी नवल के रूप में संजय बिशोई विकास दिव्य कीर्ति सोय के रूप में सुंदर के रूप में विजय कुमार डोगरा मनोज की छोटी बहन रजनी शर्मा के रूप में पेरी छबड़ा श्रद्धा के पिता के रूप में नीरज कालरा श्री सोलंकी के रूप में डेरियस चिन्नाय तानिया के रूप में राधिका जोशी फसी खान किशन के रूप में श्रद्धा के घर का नौकर शिव मेहता मनोज के यूपीएससी साक्षात्कार के रूप में राहुल देव सिट्टी नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल पर आधारित फिल्म की घोषणा की यह फिल्म आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आर अधिकारी श्रद्धा जोशी की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है नवंबर 2022 में चोपड़ा ने घोषित की कि अभिनेता विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका निभाएंगे जो उनके पहले सहयोग को चिन्हित करेगा यूपीएससी कोच विकास दिव्य कीर्ति को स्क्रीन पर खुद की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था कई वास्तविक जीवन के यूपीएससी उम्मीदवारों को विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया मैसी के अनुसार इसने फिल्म में प्रामिकर्ता जोड़ दी शर्मा और जोशी दोनों ने फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई फिल्म की शूटिंग मुख्य भूमिका मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दो शिक्षा केंद्रों राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया था फिल्मांकन दो दिसंबर 2022 में पूरा हुआ ट्वेल्थ फेल का टीजर 10 अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था जबकि इसका ट्रेलर 3 अक्टूबर दो को रिलीज़ किया गया था फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी हिंदी में सफलता के बाद निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को तमिल तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में डब किया जाएगा और 3 नवंबर दो हज़ार तेईस को रिलीज़ किया जाएगा फिल्म की स्ट्रीमिंग 29 दिसंबर दो हज़ार तेईस से डिजनी प्लस हॉटस्टार पर शुरू हुई फिल्म का संगीत शांतनु मोइत्रा ने तैयार किया है जबकि गीत स्वानंद किरकिरे और रफ्तार ने लिखे हैं सितार और वासुरी के उपयोग के साथ मायत्रा धारा फिल्म का पृष्ठभूमि स्कोर बंगाली फिल्म पाथेरा पांच उन्नीस में पंडित रविशंकर के स्कोर से प्रेरित था 12th फेल को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोस पर 10 आलोचकों में से 90% समीक्षा सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 6.8 है एनडीटीवी के शैव चटर्जी ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए और कहा यह एक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी के जीवन का एक मूल चित्रण है 12th फेल एक विचारत्मक और मनोरंजक फिल्म है पटकथा धारा एक वास्तविक से में कहानी तैयार की जाती है यह आदमी की यात्रा के उतार चढ़ाव से नाटक के हर आखिरी हिस्से को निकालने के लिए किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से परहेज करता है मिड डे के मयंक शेखर ने पांच में से चार स्टार दिए और फिल्म दिस इज द इंडियन स्टोरी की समीक्षा की हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने अपनी समीक्षा में कहा कि ट्वेल्थ फेल न केवल यूपीएससी के छात्रों की कठिनाइयों और भावनाओं को समझने के लिए आवश्यक देखी जानी चाहिए बल्कि यह हमारे सिस्टम में समग्र शिक्षा पर भी प्रकाश डालती है कुछ ऐसा जो चोपडा थ्री इडियट्स दो से दिल जीता द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्र गुप्ता ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा कि साउंड ट्रैक और मूड में छिटपुट उतार चढ़ाव के बावजूद ट्वेल्थ फेल ज्यादातर एक जमीनी हकीकत वाली फिल्म है जिसमें ऐसे पात्र हैं जो सड़क से भटक गए हैं और साथ घूम रहे हैं हमें प्रेरणा से भरपूर जीवन के सबसे सबक साझा करते हुए इसमें न केवल बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हैं बल्कि इसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं जो उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे कोचिंग सुविधाओं वाले लोकप्रिय क्षेत्रों में एकत्रित एकत्रित होते हैं इन लोगों की छवि अपने घरों से दूर छोटी छोटी जगहों में रहकर परीक्षा पास करने और जो है उसे बदलने की कोशिश में दिन रात पढ़ाई करते हैं यह एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय कहानी है रेडियो डॉट कॉम की दीपा गहलोत ने विक्रांत मैसी के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा अगर विक्रांत मैसी इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीतते हैं तो यह उस अभिनेता के साथ अन्याय होगा जिसने इतने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया है टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रोहित ने पाँच में से चार स्टार दिए और अपनी समीक्षा में कहा कि ट्वेल्थ फेल एक उत्कृष्ट फिल्म है जिसकी अत्यधिक अनुशा अनुशंसा की जानती है इसके एक मिनट के लगभग हर दृश्य से आप प्रेरित और चकित महसूस करते हैं चोपड़ा को यह सुनिश्चित करने के लिए बधाई की फिल्म में प्रत्येक किरदार को उनका सर्वश्रेष्ठ मौका दिया जाए इंडिया टुडे की भावना अग्रवाल ने पांच में से चार स्टार दिए और लिखा विक्रांत महसी प्रदर्शन सीट पर शानदार प्रदर्शन के साथ उत्तीर्ण हुए द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा ट्वेल्थ सफल फिल्म समीक्षा विदु विनोद विदु विनोद चोपड़ा ने आशा की कि हिंदू की अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा ट्वेल्थ फेल असफल फिल्म समीक्षा विधु विनोद चोपड़ा ने आशा की एक और झप्पी दी जो जादुई से भी अधिक गंभीर है सी एन बी सी टी वी अठारह एटीन की स्नेहा बेंगानी ने फिल्म की समीक्षा करते हुए लिखा दृढ़ता की इस उल्लेखनीय कहानी के माध्यम से विक्रांत मैसी को ताकत मिलती है जी न्यूज़ के गुंजन डी डॉट बिंदानी ने पाँच में से चार स्टार देते हुए लिखा युक्तिपूर्ण नहीं होना चाहिए लेकिन ट्वेल्व फेल बिल्कुल सही हो सकती है 12 फेल को ठीक थी, ठीक से देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके मूल में फिल्म है माननीय बुनियादी सिद्धांतों का गहरा अभाव है विदु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दैनिक अध्याय ने के बोझ पेचीदा सामाजिक गतिशीलता जीविका के लिए छोटी मोटी नौकरियां और भावनाओं का कक्षा का बहान है बहाव है ओन मुरमा के साजेश मोहन ने अपेक्षा समीक्षा में लिखा अपनी समीक्षा में लिखा मानव श्रोत धराशावना धान पूर्वक तैयार किया गया साउंड स्केप मनोज की यात्रा के दर्द और खुशियों को बढ़ाता है जिस तरह से मानव मनोज और उसकी भावनाओं को अलग करने के लिए अंदर और बाहर पृष्ठभूमि शोर का उपयोग और पुनः उपयोग करता है भीड़ भाड़ वाले दृश्य ध्यान केंद्रित करते हैं ऐसे समय में जब हमारी फिल्मों का नैतिक दिशा निर्देशन रूलेट व्हील जैसा दिखता है यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी आती है जो सच्चाई से सार्वजनिक और निजी जीवन में ईमानदारी का जश्न मनाती है कुछ समय बाद आशा और लचीलेपन की कहानी के साथ टर्न टाइल में लौटते हुए फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने दर्शाया कि कैसे मिट्टी का एक योग्य पुत्र एक प्रजाति जो सिनेमाई परिदृश्य में लुप्त प्राप्त हो रही है गरीबी और भ्रष्टाचार पर विषय प्राप्त कर सबसे कठिन परीक्षा देती है देश लहजा थोड़ा उपदेशात्मक है और ट्रीटमेंट थोड़ा अतिरिजित है लेकिन यह एक बड़े दिल वाली फिल्म है जो मानवीय अच्छाई के संदेश के साथ आपको कसकर गले लगा लेती है चोपड़ा ने अतीत में अपनी प्रस्तुतियों मुन्ना भाई एम 2003 और थ्री इडियट्स दो के साथ इस आनंदमय भावना को सफलतापूर्वक उत्पन्न किया है और ट्वेल्थ फेल हिंदी क्षेत्र से उनके आध्यात्मिक चचेरे भाई की तरह महसूस मौसू, की करते हैं वास्तविक जीवन के चरित्र पर आधारित यह चंबल का एक लड़का है जो बंदूक नहीं उठाता जब उसके पिता को उसकी ईमानदारी के लिए दंडित किया जाता है जब वह और उसका भाई आजीविका कमाने की कोशिश करते हैं तो स्थानीय विधायक उनके कदम रोक देते हैं लेकिन वह शत्रुतापूर्ण नहीं बनते इसके बजाय एक ईमानदार पुलिस अधिकारी से प्रेरणा लेते हुए मनोज कुमार शर्मा एक कलम चलाता है और आवंतिक समय में अपनी किस्मत खुद लिखता है लिखना सीखता है ताकि वह वर्ती फी पहुँच सके और मानवीय न्याय दे सके धोखा देना उसका परिवेश में जीवन जीने जीने का एक तरीका है लेकिन मनोज अपने पिता और दादी से सीखी हुई नेक छवि रखता है प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करना कमजोर लोगों के लिए नहीं है चाहे वह पढ़ाई में हो या दृढ़ विश्वास में हो यह मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मैसी की कहानी को असाधारण बनाता है मध्य प्रदेश के चंबल के एक गांव का लड़का बारहवीं की परीक्षा में असफल हो जाता है क्योंकि नए डी पी एस में पदस्य दुष्यंत सिंह प्रियांशु चटर्जी शिक्षकों को छात्रों को बोराड बोर्ड परीक्षा में नकल करने से रोकता है मनोज अगले वर्ष तृतीय क्षेत्र में उत्तीर्ण होता है और शिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच जाता है उसके पास तौर पर आग पर लेकिन ऐसा करने के लिए शैक्षणिक कौशल नहीं है इतना कि उसे यह भी पता नहीं है कि यूपीएससी या आईपीएस प्रोफाइल जैसी कोई चीज होती है कहानी मनोज की है और कैसे वह अपने गुरु दोस्तों और प्रेमिका श्रद्धा जोशी के सहयोग से अपने सपने को साकार करते हुए जीवित रहने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करता है फिल्म का हर ट्रैक अपने आप में एक कहानी है मनोज की गुमराह युवावस्था से लेकर जहां उसे सही गलत का पता नहीं होता उसके संघर्षों और हर बार शून्य से शुरुआत करने तक की कहानी है दर्शक खुद को मनोज की सफलता या विफलता में शामिल महसूस करता है जब वह अंतिम चरण साक्षात्कार के लिए जाता है तो तनाव पड़ जाता है मौ मौन वीरान और परिवेशी ध्वनि आपको भी अपनी सांसें रोकने पर मजबूर कर देती है कथा आसानी से प्रभावित होती है क्योंकि यह ए पी जे कलाम और बी आर जैसे दिग्गजों के अपने अनुयायी को आहान की याद दिलाती है शिक्षित हो आंदोलन करो संगठित हो फिल्म इस बात पर भी सूक्ष्मता से प्रकाश डालती है कि क्यों भ्रष्ट राजनेता चाहते हैं कि युवा मूर्ख बने रहें ताकि उन्हें दबाया जा सके और उन पर शासन किया जा सके विक्रांत में से एक मांगली भूमिका और किरदार को बहुत ही आत्मविश्वास के साथ निभाते हैं वह हर मोड पर चरित्र के साथ न्याय करता है चाहे वह उत्तेजित हो असहाय हो या स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए दृढ़ हो प्रियांशु चटर्जी डीसीपी के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में चमकते हैं जिनकी ईमानदारी उनकी बहादुरी है एक कलाकार के रूप में उनका कौशल उस दृश्य में स्पष्ट होता है जहां वह अपने वरिष्ठ के रूप में से मिलते हैं उनकी प्रतिक्रिया एक वरिष्ठ के रूप पर प्रति सम्मान और एक युवा के सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करने के गौ, गौरव का मिश्रण है मनोज के माता पिता के रूप में गीता अग्रवाल शर्मा और हरीश खन्ना अपने सूक्ष्म अभिनय के लिए उल्लेख के पात्र हैं ट्वेल्थ फेल शीर्षक श्रेणी की और आवश्यक देखी जाने वाली फिल्म है जो इसके एक से से मिनट के लगभग हर दृश्य से आपको प्रभावित और प्रेरित करेगी चोपड़ा को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे अंक दिए गए कि उन्हें फिल्म के हर किरदार से सर्वश्रेष्ठ मिले विक्रांत मैसी ने करियर का एक और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया वह लुक और बॉडी लैंग्वेज को परफेक्ट बनाते हैं हालांकि उनके चेहरे का कला का कलापन कुछ ज़्यादा ही लगने लगता है लेकिन जल्द ही मैसी अपनी बेदाग एक्टिंग से आपको उस कमी को भुला देते हैं ऐसा नहीं है कि वह भूमिका को पूर्णता के साथ निभाते हैं बल्कि ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने चरित्र को अपनी आत्मा में समाहित कर लिया है सबसे बढ़कर उनकी बोली भी पूर्णतया परिपूर्ण है शंकर का किरदार काफी योग्य है लेकिन यह मैसी जितना सशक्त नहीं है वह एक प्यारी और चुलबुली प्रेमिका की भूमिका बखूबी निभाती है लेकिन उसका जीवन उसकी महत्वाकांक्षाएं आदि वास्तव में कम दिखाई जाती है जिससे आपको लगता है कि वह दूसरी भूमिका निभा रही है जो कि नहीं होना चाहिए था यह तथ्य स्पष्ट था कि उनका चरित्र एक पुरुष धारा लिखा गया था क्योंकि उनके चरित्र में बमुश्किल कोई गहराई या व्यक्तित्व था वह बस पापा की परी की तरह महसूस करती थी यहाँ तक कि वह भी उसी परीक्षा को पास करने की कोशिश में उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रही थी उसकी यात्रा इतनी सहज और कठिन समय में से रहित है कि दिखाई गई है खैर इसका एकमात्र उत्तर यह है कि इस किरदार की कल्पना पुरुष दृश्य से की गई थी अनंत वी जोशी ने कथक कथल के बाद एक और दिल छू लेने वाली प्रस्तुति दी उनका अभिनय इतना वास्तविक है कि आपको यह महसूस होता है कि आप भी अपने जीवन में ऐसे किरदारों से मिल चुके हैं किरदार में सभा तरन ही भी की भावनाएं हैं जो इसे इतना प्रशंसिक बनाती है डरे हुए बेटे से लेकर ईर्ष्यालु हमतन होने से लेकर हार्दिक दोस्त होने तक उन्होंने सभी भावनाओं को पूर्णता के साथ प्रदर्शित किया है